एज वी नो, हम लोगों ने पहले अपने इंटरफेस को कितने पार्ट में बांटा है? एक कौन जीवन एस जीरो, और मैंने इसी इंटरफेस का नाम रखा था सेल ग्रोथ फेज। मैं यहीं से टॉपिक छोड़ा था और यहीं से उठा रहा हूं, सेल ग्रोथ फेज। और सेल ग्रोथ फेज में एक दो क्वेश्चन और एक दो बातें आई जो बच्चे कह रहे थे डिफर करते हैं सर। पहली बात, जीवन फेज में मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, क्या बनेंगे? नो डाउट न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, अमीनो एसिड बनेंगे, एटीपी बनेगी, याद रहेगा? ये आरएनए भी बनेगा, थोड़ा सा आरएनए भी बनेगा, ये छूटा था मेरे से, याद रखना। क्या क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, आरएनए एंड एटीपी, सो सम काइंड ऑफ आरएनए आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द जीवन फेज। अच्छा, कुछ पुरानी किताबों में जिनमें बच्चों ने मुझे बहुत मैसेज किया कि सर आपने क्या ये गलत पढ़ाया है क्या, उन्होंने कहा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन और कुछ बहुत हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। कुछ एनसीईआरटी की बुक्स, सॉरी एनसीईआरटी के अलावा बुक्स बोलती हैं कि प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो जाता है ड्यूरिंग जीवन। कुछ बच्चों ने मुझसे स्पेशली ये क्वेश्चन पूछे कि हम कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं सर, वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन भी दिख रहा। याद रखना, प्रोटीन का फॉर्मेशन जीवन में देखा गया है, लेकिन चार लोगों का कंफर्म है, बोलो कौन? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, आरएनए, एटीपी। तो अगर कहीं प्रोटीन आरएनए आ जाए और जीवन जीटू दोनों दिया जाए तो जीटू लगाइएगा, लेकिन अगर जीटू ना दिया जाए और जीवन में बोला जाए प्रोटीन आरएनए है तो मान लीजिएगा कि है, थोड़ी बहुत प्रोटीन बनती है। इसके बाद एस फेज में मैंने बोला था कि यहां पर आपके सामने क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन का मतलब मैंने बताया था, यहां पर डीएनए अपना नंबर डबल करेगा कि अमाउंट। और फिर मैंने जीटू फेज में आपको बोला था कि यहां पर आरएनए बनेंगे, साथ में क्या बनेगी? प्रोटीन, और साथ में तीन सेल ऑर्गेनेल, के याद है? दीज आर द एम सी जी। व्हाट इज एम? माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल होगा, और क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल है तो क्या डबल होगा? क्लोरोप्लास्ट। और जी इज गॉल्गी बॉडी, क्या ये भी डबल होंगे? अच्छा बताइए, इसके अलावा यहां पर क्या डबल होगा? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, और सेंट्रियोल किसमें मिलते हैं? सेंट्रोसोम, याद रखना, साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम के नाम से मिलते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इनको सीख लो, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत बार बनेंगे। फिर हमने इस पोर्शन को दूसरे वाले पोर्शन को डिवाइड करते वक्त आपको सिखाया था, क्या क्या सिखाया था याद करो, यहां से लेकर यहां तक की जो फेज है याद है आपको? इसका नाम रखा गया था डिवीजन फेज, बोलो क्या नाम? इसे हम लोगों ने एम, एम फॉर माइटोसिस, मियोसिस नहीं, बोलो क्या? माइटोसिस, एम फेज बोला गया, क्या बोला गया? एंड द एम फेज इज नोन एज डिवीजन फेज। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी सेल डिवाइड करने जाएगी पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगी कि न्यूक्लियस, और मैंने कहा था कि दो फेज होंगे, पहला बोलो कैरियोकाइनेसिस, फिर से बोलो, और दूसरा साइटोकाइनेसिस, आपको याद है? मैंने कहा था न्यूक्लियस में दो पोर्शन होंगे, वन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस पढ़ाते वक्त मैंने चार फेजेस बताई थी, याद है? नंबर वन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, याद है? तो मैंने आपसे कहा था आप केवल इतना लर्न करिएगा कि जीटू के बाद पहला फेज प्रोफेज, फिर बताइए कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यहां तक जो चल रहा है उसका नाम सर, इसका नाम है कैरियोकाइनेसिस, बोलो क्या नाम है? कैरियोकाइनेसिस। और बचा हुआ पोर्शन मैंने बोला था साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस मिलाकर और साइटोकाइनेसिस मिलाकर मैंने कौन सा फेज? एम फेज। तो आपके सामने इंटरफेज में तीन फेज हो गए, जीवन एस जी टू। और फिर इतना पढ़ाने के बाद मैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ निकल गया था, प्रोसीड किया था कि बेटा इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आप कहीं ना कहीं आप अपना क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे। और उस कॉन्सेप्ट को समझाने के चक्कर में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, चलिए उन बातों को दोबारा रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि जीवन एस और जी टू फेज में क्रोमोसोम की बात करने वाला टीचर बेवकूफ है, और मैंने कहा था कि मैं वो बेवकूफी करने जाऊंगा।
क्योंकि क्रोमोसोम का अपीयरेंस किस फेज में है मेटा? अगर मैं बोलूं पहली बार क्रोमोसोम कहां अपीयर होता है, तो सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर क्रोमोसोम का अपीयरेंस मेटाफेज में है। मेटाफेज के पहले, यानी अपीयरेंस तो प्रोफेज में है लेकिन दिखता कहां है? अपीयरेंस कहां है? प्रोफेज। सबसे बढ़िया दिखता कहां है? यानी कि एम फेज के पहले बेटा क्रोमोसोम की बात करने वाला टीचर एक्चुअली बेवकूफ है, और मैं वही बेवकूफी कर रहा हूं। मैंने कहा था कि जीवन फेज के न्यूक्लियस में बेटा धागे पड़े हैं, इन धागों का नाम है क्रोमैटिन। फिर से बोलो। लेकिन यही क्रोमैटिन एक दिन क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। सो आई एम एज्यूमिंग द क्रोमैटिन एज अ क्रोमोसोम। और मैंने कहा था कि मान लीजिए जीवन फेज में आपके पास जो क्रोमैटिन है वो इस तरीके का क्रोमोसोम बनाएंगे, क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड। बोलो क्या? दिस इज वन क्रोमैटिड। दो दिख भले रहे लेकिन एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि इसे n मानिएगा, दूसरे को भी n मानिएगा, बताओ कितने नंबर? मैं बोलूं 23 ऐसे और 23 ऐसे, तो बताओ कितने पेयर? 23 पेयर, 23। तो 2n का मतलब, n मतलब क्या है? 23। तो 23 ऐसे और 23 ऐसे पेयर में आए। पर जो भी क्रोमोसोम मिल रहा है उसके अमाउंट को c मानिए, इसके अमाउंट को c मानिए और क्या बताइए? 2c। तो बताओ ये क्या है? 2N2C। इट इज द ओरिजिनल कंटेंट एट द जीवन। और मैंने ये भी पिछली क्लासेस में सिखाया है कि अगर आप इतना सीख जाओ कि जीवन में आने वाली सेल अभी अभी ताजी सेल है, साइटोकाइनेसिस से तुरंत आई है, तो जीवन की सेल इज न्यू सेल। कैसी सेल है? और न्यू सेल के पास जो डीएनए कंटेंट है, जो भी डीएनए कंटेंट है, इट इज ओरिजिनल कंटेंट। ना हाफ है ना डबल है, इट इज ओरिजिनल कंटेंट। अगर कोई पूछे सेल का ओरिजिनल कंटेंट किस फेज में देखना है? एस में, जीवन फेज में देखिए। जीवन फेज का कंटेंट इज द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द सेल, क्योंकि नई सेल बन के अभी अभी आई। अब जीवन सेल में, जीवन फेज में आपके पास 2N और 2C सब्सटेंस था, अभी ये किस फेज से गुजरा? और एस फेज में आपने क्या किया? डीएनए का डुप्लीकेशन। तो मैंने कहा डीएनए का डुप्लीकेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर सेम रहने। याद रखना, मान लीजिए ये एक क्रोमेटिन वाला क्रोमोसोम था, अभी यहां पर डुप्लीकेशन हुआ तो अमाउंट डबल हो गया। अगर अमाउंट डबल हो गया तो बताइए नंबर भी डबल हो गया क्या? यस सर। मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट अपने आप को कुछ बेटा बेटा रिप्रेजेंट किया था कि किस तरीके से आप कहानी बताओगे। मैंने कहा था अगर धोखे से मेरा एक हाथ और एक पैर हो जाए तो आप क्या मुझे मेरे राशन कार्ड में मेरी आधी यूनिट मानेंगे? क्या मुझे टिकट आधी खरीदनी पड़ेगी? एक टिकट, एक यूनिट, एक वोट डालने का तब भी मेरे पास हक है, तो मैं कितना यूनिट हूं? एक। लेकिन अगर मेरे पास दो हाथ और दो पैर हैं तो मैं अब भी यूनिट कितनी हुई? एक। लेकिन पहले वाले से अमाउंट डबल। तो जो क्रोमैटिड क्रोमैटिड हुआ करता था वो एक था, अभी यहां पर कितने हैं? दो। एक क्रोमैटिड को मैंने सी माना था, तो इतने को मैंने सी माना तो ये भी क्या होगा? और इसको माना सी तो ये भी क्या होगा? पर ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम तो अभी भी 2N। फिर से बोलो। और ये सी सी सी, बोलो कितना? 4C। बताओ किसने 4C कर दिया? एस फेज। और ये एस फेज का 4C कहां पर बना रहेगा? G2। तो बताओ अगर G2 में आपको क्रोमोसोम पूछे जाएं, अभी भी आपके पास N और N कितने हैं? 2N। और बताइए कितना है? 4C। फिर कौन सी फेज आई? प्रोफेज। फिर तो बोलो। यहां पर भी बेटा 2N4C। और मेटा फेज में जब पहली बार क्रोमोसोम अपीयर हुआ, जहां सुनील सर को क्रोमोसोम की ओरिजिनल बात करनी चाहिए, वो जीवन एस जू टू है कि मेटा फेज। और जिस समय मेटा फेज में क्रोमोसोम अपीयर हुआ, जिसे आप रियल क्रोमोसोम मानते हैं भाइयों बहनों, वो रियल एक्चुअल क्रोमोसोम है कि डबल अमाउंट? क्यों डबल अमाउंट का है? क्योंकि वो क्या पास करके आया है? एस। और जो बंदा एस फेज पास करके आया है, उसने अपने डीएनए कंटेंट को
क्या किया है, डबल। अगर ये डबल कर दिया है तो याद रखना यहाँ पर जो तुम्हें 2n और 4c मिल रहा है, याद रखना वहां पर क्रोमोसोम में हर एक क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट इक्वल है कि डबल है, डबल। और मैंने कहा था अभी यहीं तक का रखेंगे जब तक कि मैं एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस आपको नहीं पढ़ा देता, तब तक आप यही मानेंगे कि सर क्या सेम रहना है। अरे सोने वालों जागो, क्या सेम रहना है और क्या डबल हो जाना है, किस फेज के बाद एस। कल को मैं इस तरीके से ना दूं और मैं क्वेश्चन यूं दे दूं कि यहां पर 2n और x अमाउंट है, नंबर कितना, अमाउंट, तो बताओ यहां क्या होगा, 2n 2x, यहां, यहां पर भी और यहां पर भी। सर मैं ऐसा नहीं देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं यहां 2n और c है, बताओ 2n, यहां 2n, यहां 2n। कुछ लोग बोलते हैं पहले बताया था 2n 4c, अब बता रहा 2n 2c, दिमाग हिल गया इस टीचर का। अरे बेवकूफो ये रटने की जरूरत नहीं है, देखना है जीवन, क्या देखना है जीवन, और बाद में रिलेट करना है जीवन से बाकी स्टेज का नंबर सेम, अमाउंट। और भैया ये माइटोसिस है, कभी कोई पूछे कि सर नंबर कभी बदलेगा कि नहीं, नहीं, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम, मदर और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम। तो कोई पूछे कि अगर जीवन में 2n था तो टीलोफेज में बताओ, एक न्यूक्लियस में, कितने न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस। अभी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लायक दिमाग नहीं पा पाए और आज मैं ये चीजें तुमसे गलत करवा के सही करवाऊंगा, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं अगर आपकी बुद्धि सही चल रही तो सही हो जाएगी, और नहीं तो बहुत मुश्किल आने वाला है। बताइए जीवन में डीएनए का कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था। एस में डीएनए डबल हुआ, जी टू में डीएनए का ना नंबर ना अमाउंट, तो कौन सी फेज के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। एस फेज के रेस्पेक्ट में अगर तुमने एम फेज देखा तो बताओ क्रोमोसोम और नंबर सेम, और जीवन के केस में देखा तो नंबर सेम अमाउंट डबल। क्वेश्चन मैं तुमसे गलत करवाऊंगा, मैं जानता हूं कैसे, मैं कहूंगा विथ रेस्पेक्ट टू जीवन फेज व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट इन मेटाफेजिक न्यूक्लियस, नंबर इज सेम अमाउंट इज डबल। अब मैं क्वेश्चन का विद रेस्पेक्ट टू एस फेज, नंबर इज सेम अमाउंट इज सेम। बोलोगे सर पहले पढ़वाया था नंबर इज सेम अमाउंट इज डबल, अब बोलो नंबर इज सेम अमाउंट इज सेम, क्योंकि आप किसका रेस्पेक्ट ले रहे। और ये क्वेश्चन इतने पेनफुल हैं कि आपको हर बार एक क्वेश्चन जो सही करोगे अगली बार रट्टा मार के जाओगे वो गलत हो जाएगा, इसलिए पिक्चर आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए और ये चलते रहना चाहिए। जीवन में क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड, एक। और कोई पूछे तुम्हारे सर ने क्रोमोसोम बनाया तुम्हारा सर बेवकूफ है, बोलो हाँ बेवकूफ है, हम ये जानते हैं कि जीवन एस और जी टू में क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिड, पर मेरे टीचर ने उन क्रोमेटिड को क्या एज्यूम कर लिया है क्रोमोसोम, और इस वजह से मैं क्वेश्चन निकाल पा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन निकालने। बताओ जीवन एस जी टू में क्रोमोसोम की बात करना सही है कि गलत है, गलत है। कुछ समझ में आ रहा है, और सुनो एक रूल है, अगर सेल ग्रोथ नहीं होगी, फिर से बोलो, तो सेल डिवीजन भी, और इसी बात को कोशिका ने, इसी बात को एनसीईआरटी ने बड़ी बड़ी भयानक बातों में लिखा है, बोलते हैं जो नई सेल अभी बन के आई है वो किस फेज में है, जीवन, और उसे किस में जाना चाहिए, एस, फिर किस में जाना चाहिए, जी टू। अब सुन लो, अगर कोई सेल किस फेज में चली गई, एस, तो उसने क्या कर देना है, क्या कर देना है, डीएनए डुप्लीकेशन। अगर डीएनए डुप्लीकेशन कर दिया तो अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। हाँ, और अगर अमाउंट डबल हो गया बच्चों तो याद रखना इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अब आप कोशिका रिटर्न नहीं कर सकते,
अब कोशिका को डिवाइड करना ही पड़ेगा। इस चीज को बार बार अपने मन में डालो कि अगर कोई कोशिका किस फेज में घुस गई है, एस फेज, तो उसने अपने डीएनए को अब डबल कर लिया है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना मजबूरी है। अगर कोई कोशिका एस फेज में गई है तो अब उसे डिवाइड करना उसकी मजबूरी, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और अगर आपको डिवाइड नहीं करना, क्या नहीं करना, तो आप किस फेज में मत जाओ, आप किस में बने रहो। बोलते हैं एनिमल सेल्स में कुछ सेल्स ऐसी हैं, एनिमल के केस में देयर आर सम सेल, ऐसी सेल्स हैं जो कभी भी एस फेज में जाती ही नहीं है, दे नेवर गो इन टू एस फेज। और अगर एस फेज में नहीं गई तो जी टू में, और जी टू में नहीं जाएंगी तो डिवाइड। तो याद रखना, देयर आर सम सेल्स और सम सेल्स विच नेवर प्रोसीड टू एस फेज एंड डिवाइड, दे नेवर डिवाइड, सो दे ओकेजनली डिवाइड या फिर दे नेवर डिवाइड, दे एग्जिबिट नो सेल डिवीजन। और ऐसी कोशिकाएं जिन्होंने कभी सेल डिवीजन एग्जिबिट ही नहीं करना है, वो किसमें पड़ी रहती हैं, जीवन, और जीवन में पड़ी पड़ी क्विसेंट हो जाती हैं, और उन्हें हम लोग जी नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी नॉट इज नथिंग बट इट इज जीवन, जो कभी प्रोसीड नहीं करेगी किसमें, और अगर ये इसमें गई तो उसका नाम जी नॉट नहीं होगा, जीवन। तो वो कोशिकाएं जिन्हें कभी डिवाइड नहीं करना, वो क्या किस फेज में नहीं जाएंगे, जीवन में रहेंगी, किस फेज में नहीं जाएंगे, और क्योंकि एस फेज में गए तो अब रिटर्न। तो बोलते हैं ऐसी कोशिकाएं हम बोलते हैं वो क्विसेंट स्टेज में चली गई हैं। और 2 साल क्वेश्चन आया इसका, 1 साल तो बहुत लोगों ने रट्टा मारा, बहुत लड़ाई लड़ी, एनसीईआरटी लगती है कि जीवन फेज की कोशिकाएं सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है, वो सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है, सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, दे एग्जिट द सेल साइकिल। और क्वेश्चन जब 2017-18 में आया तो दोनों ऑप्शन थे कि ये सेल साइकिल को एग्जिट करती हैं कि सस्पेंड करती हैं। एनसीईआरटी में लिखा एग्जिट और आंसर आया सस्पेंड। क्यों? क्योंकि हमने एग्जिट रट्टा मारा कि कोशिका जो जी नॉट फेज में है वो किसमें नहीं जाएगी, एस, और एस फेज में नहीं गई तो डिवाइड। लेकिन एनसीईआरटी उसके नीचे 2 लाइनें लिखती हैं कि कभी कभी इन जी नॉट कोशिकाओं को, ऐसी कोशिकाओं को रिक्वायरमेंट बेसिस पर, किस बेसिस पर, रिक्वायरमेंट बेसिस पर हम इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्हें इन्फ्लुएंस करके किसमें भेजते हैं, एस फेज में। अगर एस फेज में गई तो क्या डिवाइड कर सकती हैं? अगर रिक्वायर हुआ तो ये भी डिवाइड कर सकती हैं। याद रखना, इसीलिए इस स्टेज को उन्होंने सस्पेंडेड स्टेट बोला। क्या बोला? जैसे नौकरी से सस्पेंड हो, इसका मतलब नौकरी से निकाल दिए गए, नहीं, कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। वैसे ही बोलते हैं जनरली ये कोशिकाएं डिवाइड नहीं करती, इसलिए इन्हें सस्पेंडेड फेज में माना चाहिए। और याद रखना, जी नॉट कोशिकाओं में एग्जाम्पल है हार्ट सेल का, कार्डियक सेल्स जितनी भी हैं उनका, और नर्व सेल्स का, या फिर ब्रेन सेल्स का, नर्व सेल्स का, जो जनरली डिवाइड नहीं करती। मैं एक्चुअली ये एनसीईआरटी की लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा, और मेरे साथ पढ़ो, मैं बहुत कम एनसीईआरटी पढ़ता हूं, लेकिन मेरे को पढ़ना मजबूरी है क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मेरा पढ़ना जरूरी है। पेज नंबर 164, एवरीवन 164। अब मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, जहां नहीं समझ में आएगा आप मेरे से बताएंगे। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल, पहली बात तो ये प्लांट की बात है कि एनिमल, एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन, जो कभी सेल डिवीजन एग्जिबिट नहीं कर रही है। एग्जाम्पल क्या लिखा है? हार्ट्स, यहीं पर नर्व भी लिख लीजिए, नर्व सेल ऑल्सो डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट द सेल डिवीजन, एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ। कहते हैं कुछ और ऐसी कोशिकाएं मिलेंगी जो डिवाइड नहीं करती। कब तक डिवाइड नहीं करती? जब तक उन्हें रिपेयर ना करना हो। क्या ना करना हो? यानी पुरानी सेल टूट गई हो तो वहां पर खुद को ना पहुंचाना हो, तब तक वो डिवाइड नहीं करती। दीज सेल डू नॉट डिवाइड
फर्दर एग्जिट जीवन, क्या एग्जिट कर गई, जीवन, जीवन को एग्जिट कर गई, एंड फेस टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज, ऑल्सो नोन एज जी नॉट. आगे लिखा है ऑफ द सेल साइकिल, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट. व्हाट इज प्रोलिफरेट, डिवाइड. ये मेटाबोलिकली एक्टिव रहती हैं लेकिन डिवाइड नहीं करती, अनलेस कॉल ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कब तक डिवाइड नहीं करती, जब तक रिक्वायरमेंट ना. कुछ सेल तो ऐसी जो कभी डिवाइड नहीं करती, चाहे रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो. बोलो कौन, नर्व सेल बहुत डिवाइड. एक बार नर्व कट गई, रिक्वायर होने पर भी नई नर्व, इसीलिए क्या हो जाती है, पैरालिसिस. क्या होती है, पैरालिसिस में ब्रेन ट्यूमर के दौरान एक नस कट गई, उस तरीके उस तरफ का अंग सारा बर्बाद. तो याद रखना कई बार रिक्वायरमेंट के दौरान भी ये डिवाइड नहीं करती, और ऐसी सेल को बोला जाता है उन्होंने क्या एग्जिट कर दिया, जीवन. और जीवन एग्जिट कर दिया तो ये सेल साइकिल को एग्जिट कर दिया. एग्जिट किया कि सस्पेंड किया, क्यों, क्योंकि इनको दोबारा एस फेज में भेजा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट. पक्का. पर कुछ सेल हैं जो वाकई एग्जिट कर जाती हैं, जैसे कि मैं बोलूं दीज आर वेसल्स. क्या बोलो, क्या प्लांट में वेसल सुनी है, वो बताओ लिविंग है कि डेड है, डेड. तो जो डेड है वो डिवाइड नहीं करता, तो ऐसी सेल को तो हम मानेंगे नहीं. अगर कोई लिविंग सेल पूछा जाए तो नर्व सेल है. कौन सी, और ये प्लांट है कि एनिमल, एनिमल. थैंक यू वेरी मच. और मुझे बताइए कि बताओ अगर किसी ने जीवन छोड़ा और किस में पहुंच गई, तो एस फेज में अपने डीएनए का क्या कर दिया, अमाउंट डबल. और अगर अमाउंट डबल कर दिया, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. अब आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा. और अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते, चुपचाप कहां बने रहो. और अगर तुमने पूरी जिंदगी जीवन में गुजार दी और जिंदा भी हो और तुम आगे जा ही नहीं रहे हो, तो बताओ तुम डिवाइड कर रहे हो कि नहीं. और अगर नहीं डिवाइड कर रहे हो तो आप एक चुपचाप अवस्था में पड़े हो. दिस चुपचाप अवस्था इज नोन एज क्विसेंट. बोलो. और क्विसेंट स्टेज की सेल होती है वो जीवन को एग्जिट करती है लेकिन सेल साइकिल को सस्पेंड करती है, सेल साइकिल को एग्जिट नहीं करती. क्या वो सेल साइकिल को एग्जिट करती है, नहीं, तो उसमें कौन सा शब्द यूज होना चाहिए, सस्पेंड. और जीवन को वो क्या कर गई हैं, एग्जिट. एग्जिट करती हैं जीवन को, लेकिन अगर मैं रिक्वायरमेंट में बेसिस पर बोलूं तो क्या इन्हें वापस से रेप्लीकेट कराया जा सकता है, बहुत मुश्किल से लेकिन कराया जा सकता है. नींद आ रही है, ध्यान से देखो. पहला कौन, जीवन. फिर कहां चले गए, तो क्या कर बैठे, अब वापस लौटना मुश्किल. अब आपको पूरा चक्कर मार के आना पड़ेगा, और चक्कर में क्या मिलेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी कि सेल डिवीजन मिलेगा. नो सर. इसका मतलब अगर एस फेज गए तो सेल डिवीजन पक्का है. और अगर सेल डिवीजन से बचना चाहते हो तो किस फेज में ना जाओ, जीवन भर कहां बने रहो. जीवन भर जीवन में बने रहने पर आप क्या हो गए, जीना, आपका एग्जिट हो गया. किससे, जीवन से. और आप सेल साइकिल में एग्जिट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सेल ने कहा हमें जरूरत पड़ेगी, तो क्या हम वापस तुम्हें बुला लेंगे. इस कंडीशन को क्या बोला, सस्पेंड. तो क्या ये सस्पेंडेड कंडीशन है. अब फिर से क्वेश्चन लेके आना कि सर इसका आंसर क्या लगाएं, एग्जिट लगाएं कि सस्पेंड, तो कान के नीचे देंगे हम. क्या लगाओगे, सस्पेंड. कब तक, जब तक उसमें जिंदा है वो है, उसको किसी ना किसी मेटाबॉलिकली तरीके से एक्टिव करके हम डिवाइड करवा सकते हैं. यस और नो. हटा दें. नाउ एम फेज का मतलब यहां मियोसिस है कि माइटोसिस. अब ध्यान से सुन लो, एनसीईआरटी इसी के नीचे के पैराग्राफ में बोलते हैं कि माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन ऑफ, किसका सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल वो सेल होती हैं जो वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं, यानी पौधा लंबाई में बढ़ रहा, चौड़ाई में बढ़ रहा, रिप्रोडक्शन जब तक नहीं कर रहा है तब तक वो माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन करना पसंद करेगा.
और इन्होंने बोला है कि एक या दो एक्सेप्शन छोड़ दो, एनिमल के केस में जितनी डिप्लॉइड सेल हैं उनमें होने वाला डिवीजन इट इज माइटोसिस। माइटोसिस एक दो एक्सेप्शन के साथ एनिमल में केवल और केवल डिप्लॉइड सेल में होता है, हैप्लॉइड में नहीं होता। ओनली हैपन इन डिप्लॉइड सेल, नॉट इन हैप्लॉइड सेल। बट इन प्लांट्स, प्लांट के केस में माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। माइटोसिस कैन हैपन इन डिप्लॉइड सेल एज वेल एज हैप्लॉइड सेल, एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल पर निर्भर करता है कि प्लांट कैसी लाइफ साइकिल रखता है। और एज वी नो कि हमें लाइफ साइकिल प्लांट में तीन तरीके की आनी चाहिए। कितने तरीके के? याद है? एक कौन सी? हैप्लॉन्टिक। बोलो कौन? हैप्लॉन्टिक है। दूसरा डिप्लॉन्टिक। तीसरा हैप्लो डिप्लॉन्टिक। और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लो डिप्लॉन्टिक। मैंने बोला था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमीट बनाते वक्त मियोसिस की माइटोसिस मैटोसिस, बॉडी भी हैप्लॉइड और गैमीट भी हैप्लॉइड, मियोसिस की माइटोसिस क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर सेम, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो सकती है। ये बात एनिमल में ट्रू है कि प्लांट्स में? पर एनिमल में अगर माइटोसिस हो रही है तो वो कौन सी सेल है? डिप्लॉइड, विथ वन और टू एक्सेप्शन, एंड दैट इज इन पार्थिनोजेनेसिस। किसमें है? हाँ तेजी, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? नहीं पढ़ी, किसी को याद है? व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? मेल गैमिट की फीमेल गैमिट? फीमेल गैमिट बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बनाती है। देखो क्वेश्चन ये था, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग घर जाकर के वापस सोचेंगे, छह दिन बाद आएंगे कहेंगे सुनील सर से दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए, सुनील सर भटक गए। मैंने बोला था आपके पास हनी भी, हनी भी में पार्थिनोजेनेसिस है। उसने बोला मेल और फीमेल है। चलिए फीमेल गैमिट एक हैप्लॉइड गैमिट है। कैसा गैमिट है? हैप्लॉइड। मेल गैमिट भी एक हैप्लॉइड गैमिट है। दोनों को फ्यूज करके जायगोट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? और इस जायगोट से बच्चे पैदा होने चाहिए थे। कभी कभी फीमेल गैमिट बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चे पैदा कर देता है। बताइए ये प्रोसेस क्या कहलाया? पार्थिनोजेनेसिस। तो बताओ अगर गैमिट हैप्लॉइड तो बच्चा भी? अब बताइए ये बंदा अगर गैमिट बनाने जाए, क्या बनाए? तो बताओ गैमिट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, बंदा भी हैप्लॉइड। तो बताओ मियोसिस की माइटोसिस। तो बताओ एनिमल भी कभी कभी माइटोसिस करते हैं हैप्लॉइड सेल में? यस। वो कब? पार्थिनोजेनेसिस। अदरवाइज एनिमल जनरली अपनी माइटोसिस कहां करते हैं? आवाज ही नहीं है। और आज जो लोग कह रहे होंगे ना कि सर आप सही ढंग से समझा नहीं रहे, वो लोगों को सोचना चाहिए कि जिस दिन मैं इसे पढ़ा रहा था हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हैप्लो डिप्लॉन्टिक, तब तुम्हारी नजर कहीं और थी, तुमको मतलब नहीं रहता पढ़ने से। और जैसे जैसे दिन और बढ़ेंगे ना तुम्हारी तकलीफें बढ़ेंगी और क्लास छोड़ने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी कि यार समझ में नहीं आ रहा। और कुछ लोग होंगे जो चिल्ला के बोलेंगे क्योंकि वो सीख रहे, बाकी कुछ लोग बीच में क्लास छोड़ते हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, या तो मैं फिर इसी में घूमता रहूं कि व्हाट इज हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हैप्लो डिप्लॉन्टिक। और ये मैं नहीं करूंगा आपकी बात। चिल्ला लो एनिमल में माइटोसिस किन सेल में? प्लांट में, डिप्लॉइड में भी और हैप्लॉइड में, डिपेंडिंग अपॉन लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लो डिप्लॉन्टिक। यहां पर माइटोसिस तो डिप्लॉइड में है, किसमें? डिप्लॉइड। और यहां पर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बंदा जब गैमीट बना रहा है तो खुद की बॉडी हैप्लॉइड, गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। और क्रोमोसोम का नंबर सेम, मियोसिस की माइटोसिस माइटोसिस। ये क्या है? एनिमल की प्लांट। तो प्लांट में माइटोसिस, डिप्लॉइड सेल में भी और हैप्लॉइड सेल। लेकिन एनिमल में माइटोसिस जनरली जब तक कि क्या ना हो, फिर से बोलो, पार्थिनोजेनेसिस के दौरान फीमेल गैमीट जो कि कैसा था? हैप्लॉइड, वो बच्चा बनाता है। बता, विदाउट फर्टिलाइजेशन की भेद? विदाउट। और वो बच्चा हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? और ये बच्चा जब गैमीट बनाने जा रहा होगा
तो गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉयड, बच्चा इज, तो बताओ मियोसिस की माइटोसिस माइटोसिस। तो एक या दो एक्सेप्शन है जिसमें एनिमल भी हैप्लॉयड सेल में गैमेट का मतलब गैमेट बनाते वक्त क्या करवाते हैं, माइटोसिस। अदरवाइज रट्टा मारो एनिमल में माइटोसिस इज इन डिप्लॉयड सेल एंड सॉरी एंड इन प्लांट सेल, माइटोसिस इन डिप्लॉयड सेल एज वेल एज हैप्लॉयड। जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा उसके जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में बोल्ड बोल्ड तरीके से लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग सीख लीजिएगा, नहीं तो आप घर जाकर के नहीं समझ पाओगे। व्हाट इज एम फेज? मियोसिस की माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस कहां होती है? पता नहीं सर कहां होती है। एनिमल में हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, और प्लांट में मे बी हैप्लॉइड मे बी डिप्लॉइड डिपेंडिंग अपॉन लाइफ साइकिल। और प्लांट में कितनी लाइफ साइकिल? तीन। नंबर वन हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक है तो पता नहीं, हैप्लॉन्टिक है तो बॉडी हैप्लॉइड, गैमीट भी माइटोसिस, याद है? ऐसे चेहरे देख के मुझे घबराहट होती। तीन रूल लिखाए थे, सब कुछ छोड़ करके सुनो फिर मैं सेल डिवीजन में घुसूंगा। पहला, ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। अब ये रोकना छोड़ना नहीं है, एकदम अलग पढ़ा रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं। ऑल गैमीट्स आर जायगोट इज, जायगोट इज डिप्लॉइड। और तीसरा, मियोसिस अकर वंस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में मियोसिस कितनी बार? एक बार। मुझे तो कभी कभी अपने क्लासेस में बोल देना चाहिए कि जो शुरुआत से नहीं पढ़ेगा वो बीच में नहीं घुस पाएगा, और मैं घुसने भी नहीं देना चाहिए, फिर क्या होगा, क्लास खाली हो जाएगी, क्योंकि कभी ना कभी तुम गायब हो गए, फिर कभी आओगे नहीं। ये रूल है ऑल गैमेट्स। अब मान लो किसी पौधे की बॉडी ही हैप्लॉइड है, इट इज अ बॉडी, इट इज हैप्लॉइड, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, हैप्लॉइड, याद है? बॉडी हैप्लॉइड है, अब बताओ गैमीट कैसा है? हैप्लॉइड अकॉर्डिंग टू रूप। तो गैमीट का क्रोमोसोम नंबर और बॉडी का क्रोमोसोम नंबर सेम क्रोमोसोम नंबर किसमें? माइटोसिस। तो बताओ क्या होगा? माइटोसिस। अब बताओ माइटोसिस हैप्लॉइड में हुई कि डिप्लॉइड में? हैप्लॉइड। सर अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चेहरे बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वैसे माइटोसिस इज द सेल डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड सेल की डिप्लॉइड सेल, कसम खाओ, इट इज अ डिवीजन ऑफ। प्लांट में भी डिप्लॉइड, एनिमल में भी डिप्लॉइड, कुछ प्लांट में हैप्लॉइड पक्का, और एक आधा एक्सेप्शन एनिमल में भी है जिसमें क्या है? हैप्लॉइड पक्का। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे तरीके से समझा। अब मैं एम फेज को डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। टुडे माय क्लास इज फॉर एम फेज, वेयर एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस। दिस टर्म माइटोसिस वॉज गिवेन बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने यह माइटोसिस टर्म इंट्रोड्यूस किया था। और याद रखना, माइटोसिस के दौरान उन्होंने प्रूव किया था कि मम्मा सेल में अगर क्रोमोसोम 2n है तो उससे बनने वाली डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। नंबर एंड अमाउंट इक्वल रहेगा मां और बच्चे में, यानी मम्मा सेल और बच्चा सेल में नंबर एंड अमाउंट दोनों का दोनों सेम रहेगा। एंड दैट्स व्हाई ना यहां पर नंबर बदल रहा ना अमाउंट बदल रहा, दैट्स व्हाई माइटोसिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन।
डब्ल्यू फ्लेमिंग ने टर्म इंट्रोड्यूस किया था माइटोसिस, और माइटोसिस के दौरान यह बताया गया कि एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी, और मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर जितने हैं उतने ही डॉटर सेल में होंगे, और मदर सेल में जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट बेटा डॉटर सेल में होगा। अगर मेरे बच्चे सही ढंग से तुम मुझे पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें मालूम है मैं यही दो दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी तुम G1SG2 से गुजरोगे, G1SG2 से गुजरोगे, तो 2N वाला बंदा हमेशा कैसा रहेगा? 2N नंबर कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब तुम G1 से गुजरोगे तो 2C को 4C करोगे, और 4C से 4C रहेगा, और यहां आते ही 2C। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनोसिस के दौरान तुम इसे 4C को आधा आधा बांट दोगे। तो मम्मा में कितना था? 2N 2C। तो बच्चे में भी कितना होगा? 2N CT। तो बताओ आपने क्या किया? नंबर तो सेम रखा पूरी साइकिल के दौरान, बट अमाउंट को बेटा 2C से क्या किया? 4C, और 4C से 2C इधर बांटा, 2C इधर बांटा। तो नो डाउट आपके बीच में 4C आया, लेकिन वो डिवीजन फेज था कि रेस्टिंग फेज? रेस्टिंग कौन सा फेज? एस फेज इज अ डिवीजन फेज और इंटरफेज? पता नहीं। तो अमाउंट इंटरफेज में बढ़ा, लेकिन एम फेज में फिर से बराबर। जीवन में कितना था? 2C। एस में 4C। टीलो फेज में फिर से 2C। तो माँ और बच्चे में अमाउंट भी सेम, नंबर भी सेम। नहीं सर, एक बार आओ। हाँ एक बार आओ, हम जानते हैं ना, हमको कौन तुमसे अच्छे तरीके से, तुमको और हमको एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आधे बार तो समझ में आता, अच्छा कुछ बताया यार, अभी अल्लू निकल गया, अब बताओ एक बार और बता दे। ये मदर सेल है, देखो इधर मम्मा सेल मदर सेल, इसको मैं बाद में प्रूफ करूंगा तुम्हारे साथ, अभी सीख लो। मदर सेल के पास 2N और 2C क्रोमोसोम थे, यानी नंबर में कितने? 2N। और अमाउंट में? 2C। ये मदर सेल है, इनसे दो बच्चे बने। नंबर हमने कभी भी कम नहीं कर रहा, नंबर तो उतना ही रहना, ये बात मैं तुमको प्रूफ कर दूंगा। तो नंबर तो सेम है, पर सर नंबर सेम है तो अमाउंट कैसे सेम रह गया? तो मैंने कहा इस कोशिका ने एक चालाकी की। क्या चालाकी की? कि हर एक क्रोमोसोम में N और N और C और C था, इसने पहले इस क्रोमोसोम को डबल किया। बताओ क्या किया? पता नहीं, डबल किया। तो किस में डबल किया? हाँ अमाउंट में, N और N। बताओ ये 2N की 4N? 2N, लेकिन C बोलो कितना? 4। तो किस में डबल किया? और फिर बेटा नंबर में तो इक्वल भेजा, पर अमाउंट में हाफ। किसके रेस्पेक्ट में? S। और जैसे ही भेजा तो बताओ यहाँ 2N और 2C था, यहाँ पर भी 2N और 2C, यहाँ पर भी 2N और 2C। तो बताओ माँ के रेस्पेक्ट में अमाउंट डबल हुआ था, लेकिन किस फेज में? S फेज। डिवीजन में डबल जो डबल हुआ था उसे आधा आधा बांट दिया गया। तो माँ और बेटी को देखो, S फेज को मत देखो, माँ और बेटी को देखो। नंबर से अमाउंट, नंबर अमाउंट, लेकिन बीच में डबल तो हुआ था, वो कौन सी फेज थी? S फेज। अगर वो डबल ना होता तो यहाँ इक्वल। बाप ने अगर 10 रुपए लिए थे और 10 बांटता तो 5-5 बांटता, 10 को उसने क्या किए? 20, और फिर क्या बटा? 10। तो बताओ ये डिवीजन में इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन क्यों रखा गया? बोलो क्यों रखा गया? क्योंकि नहीं, इसका जवाब चाहिए मुझे, इक्वेशनल डिवीजन क्यों रखा गया? क्योंकि माँ और मदर और डॉटर सेल में नंबर अमाउंट, कुछ लोग ऐसा रट्टा मारते हैं कि नंबर सेम अमाउंट हाफ। मैं जानता हूं बहुत लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में? एस फेज के रेस्पेक्ट में नंबर अमाउंट। और मैं एस फेज के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं कि माँ, मदर सेल के रेस्पेक्ट में नंबर भी अमाउंट भी सेम, एंड दैट्स व्हाई इट इज इक्वेशनल।
और ये इक्वेशनल शब्द मैंने दिया कि एनसीईआरटी, घूर घूर के देखो एनसीईआरटी में कहीं इक्वेशनल डिवीजन लिखा है क्या? लिखा है तो इक्वेशनल डिवीजन क्या है, जब क्या सेम हो पता नहीं, नंबर सेम, अमाउंट सेम, किसके बीच में, मदर सेल और पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर और अमाउंट सेम, तो वो तो इक्वेशनल। पर अगर मैं किस फेज की बात करूं, एस, तो बताओ नंबर से अमाउंट, तो जो ये जवाब आता है नंबर से अमाउंट से। और इसीलिए जिन बच्चों को सेल साइकिल में जीवन एस जी टू समझ में नहीं आया, वो इन क्वेश्चन से इतना भागते हैं, कहते हैं सर ये क्वेश्चन ना आए तो अच्छा है। इधर देखो, एक और ट्राई कर रहा हूं, इस वजह से ट्राई कर रहा हूं कि बेटा शायद तुम्हें समझ में आ जाए, शायद, और अगर आ गया तो फिर हम दोनों की विन पोजीशन है, हम दोनों लोग जीतेंगे ना। मुझे भागने का डर है कि जल्दी जल्दी समझा दो और भाग जाओ, ये तब करता जब मुझे ना आता। मैं अपनी डेट में कॉन्फिडेंट यहीं पर खड़ा हूं, तुमको जो पूछना है पूछो। ये बोलो कौन है, और ये yes. और ये जीनू. और मैंने बोला था जीवन की सेल पुरानी सेल है कि नई सेल, अब मम्मी कसम है न्यू सेल है yes, और यही माँ बनेगी yes, और इसकी डॉटर सेल पैदा होगी yes, तो न्यू सेल का जो कंटेंट है इट इज डबल कंटेंट की ओरिजिनल, तो मदर सेल का जो ओरिजिनल कंटेंट है, क्या मैंने आपको डिजाइन मतलब से डायग्राम से डिफाइन किया था yes, sir. और मैंने बोला था हर क्रोमोसोम अगर होता तो, अगर क्या होता, एन और एन, टू एन, और क्रोमेटिड एक होती कि दो, एक, तो बताओ ये क्या होता, सी, और ये सी, तो बोलो क्या होता, टू सी। एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड होती, एक, दो, बहुत घूसा मारूंगा मैं, इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, सर ये एक हुआ, ये एक हुआ, ये तो दो है, ये दो नहीं है। कल को तुम बोले सुनील सर दो हाथ लिए घूम रहे इसलिए सुनील सर दो है, नहीं, ये एक फोर लिंब है और ये एक हाइंड लिंब है। फोर लिंब के दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट, हाइंड लिंब के दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट, समझे? अब देखो ये एक क्रोमेटिड है और ये एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड का अमाउंट सी तो दूसरे का सी। अब बोलो, फिर से मैं कर रहा हूं कोशिश, बच्चा मेरी लाज रखना, बताओ एस फेज में आते ही क्रोमेटिड जो थे क्या ये अमाउंट में डबल हुए yes, sir. क्या इसने अपना अमाउंट डबल किया yes, sir. इसने अमाउंट डबल किया yes, sir. ये क्या रहा एन, ये कहा क्रोमेटिड बढ़ गई सी सी, बोलो C-C. और C-C. तो बताओ कितना हुआ टू एन, बताओ ये मदर सेल है yes, लेकिन ये मदर सेल एस फेज की है, किसकी yes, पर मुझे एस फेज से मतलब है कि ओरिजिनल, और ओरिजिनल कंटेंट इज जीवन, यस और नो। अब बताओ जी टू फेज में आए कंडीशन यही रहेगी yes, क्या टू एन फोर सी, प्रोफेज आया बोलो टू एन फोर सी, मेटाफेज आया जिस क्रोमोसोम को तुम यहां देख रहे हो वो एक्चुअली अपियर कहां हुआ मेटा, और मैंने बोला था क्रोमोसोम की बात एम फेज के पहले जो कर रहा वो टीचर बेवकूफ जैसे कि मैं, यहां पर क्रोमोसोम की बात करनी नहीं चाहिए, नहीं करता तो आपको समझ में नहीं आता। तो जो क्रोमोसोम तुम्हें एक्चुअली मेटा फेज में मिला है वो इक्वल मिला कि डबल, और अगर बुद्धि है थोड़ा इलेवेंथ में पढ़े हो तो यही क्रोमोसोम बीच से तोड़ा जाएगा, यस और नो, और अगर तोड़ा जाएगा तो बताओ इन्हीं में से एक क्रोमोसोम, इसमें से इस एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनाए जाएंगे, और जो दो क्रोमोसोम बनाए जाएंगे वो किसके जैसे होंगे जीवन, तो एक क्रोमोसोम विल bifurcated into two chromosome, ये अलग न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस, और ये एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस, क्योंकि ये पेयर में है, यस और नो। और इस तरीके से जो अमाउंट जाएगा नंबर, फिर से इसे क्या बोला जाएगा एन, इसको एन, पर ये एक न्यूक्लियस में चला गया तो बोलो कितना हुआ टू एन, और ये कितना हुआ टू सी, और ये एक में गया तो टू एन टू सी, तो बताओ साइटोकाइनेसिस तक आते आते क्या हो जाएगा टू एन टू सी, और मम्मा के पास कितना था
क्या यहाँ डॉटर सेल बनी? Yes, मम्मा सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम, अमाउंट सेम, लेकिन एस स्पेस के रिस्पेक्ट में क्रोमोसोम का नंबर सेम, अमाउंट नहीं आया। अभी एक मिनट रुको, अपना ज्ञान अपने पास रखो, जब तक कि हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को समझा ना दे। अभी हम एक शॉर्ट में अपने आपके दिमाग में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा यहां 70% सो चुके होंगे, तुम जाग रहे हो, बाकी 70% सो चुके होंगे कि ये कर क्या रहा है। ये तो हम बचपन से देखते आए, कक्षा 11 में भी नहीं आया था, 12th में भी नहीं आया था, उसके बाद किसी ने पूछा था तब भी नहीं आया था, एग्जाम दिया तब भी नहीं आया था, लिख दिए थे। हम आपकी दिमाग की प्राइमिंग कर रहे हैं कि आपको कुछ समझना है, वो क्या समझना है कि तुम्हें डर लग रहा, अच्छा अभी तो 4C हो गया था, फिर 2C कैसे हो गया, आप पढ़ाओ पढ़ाओ, अभी देखते फंसाएंगे इनको। हाँ प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्यों नहीं आया, और मैं इसमें चाहे 2 दिन लग जाए मैं यहीं पर पढ़ाता रहूंगा। बताओ एम का मतलब? हाँ अब भैया कह रहे हैं एम का मतलब माइटोसिस, टर्म गिवन बाय फ्लेमिंग, और बोला गया माइटोसिस की फेज में 2 फेज, पहली कैरियोकाइनेसिस, फिर से बोलो, और दूसरा साइटोकाइनेसिस। और जब तक समझ में नहीं आएगा मैं यहां से नहीं हटूंगा, आप चिंता मत करिए। पहली बोलो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा बताओ कैरियोकाइनेसिस को 4 फेज में बांटा था, याद होगा? बताओ यहां साइटोप्लाज्म का डिवीजन है कि न्यूक्लियस? पहला प्रोफेज, बारे बच्चे सावास, दूसरा मेटाफेज, वाह, और एनाफेज और टीलोफेज। और इस दौरान देखो, इतनी बार बताने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा, वो ये रहा बच्चा कि एक न्यूक्लियस था, अब सेल में 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं, और ये 2 न्यूक्लियस आते वक्त क्या क्या हुआ? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो कैरियो की क्या हो गई? काइनेसिस। yes. अब इसमें आएगी सेल प्लेट, बोलो क्या होगी? साइटो, बोलो क्या होगा? साइटो, सेल प्लेट का बनना, इट इज साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस के विभाजन में कितनी अवस्थाएं? 4 नहीं 2 1 कौन? कैरियो, नहीं आई एम सॉरी, सेल के विभाजन में कितनी अवस्थाएं? 2 1 कौन? कैरियोकाइनेसिस और साइटो, और जिसने बोला 4 वो एकदम सही था। बताओ न्यूक्लियस के विभाजन में कितनी अवस्थाएं? 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो जिसने भी 4 बोला था मेरे से गलती हुई, वो सही है। बताओ न्यूक्लियस के विभाजन में कितनी? 4। पहला कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और सर ये सब कैसे चालू होता है, जरा इसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल डिफाइन करूंगा, ध्यान से देखे एक बार फिर से बच्चा मेरे, फिर से बताओ जीवन एस जी टू के बाद कौन सा आएगा? तो प्रोफेज किसके बाद आया? और जी टू तक फेज कैसी है? और इंटरफेज में क्रोमोसोम है? मैंने ही पढ़ा है इंटरफेज में क्रोमोसोम धागे हैं, धागों का नाम क्रोमैटिन, बोलो क्या नाम? तो बताओ क्रोमोसोम कहां पर नहीं है? जीवन एस जी क्रोमोसोम, पहली बार क्रोमोसोम अपीयर कहां होंगे? प्रोफेज, पक्का? आइए प्रोफेज के पहले हैं धागे, जी टू में क्या है? एस में क्या है? जीवन में क्या है? किसके धागे? हाँ क्रोमैटिन। और ये किसके बने हैं? डीएनए। किसके? थैंक यू वेरी मच। नाउ द प्रोफेज इन डिटेल। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोफेज तुम्हें सीखने में आ जाए। यहां पर प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, फेज का मतलब स्टेज, इट इज नोन एज फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन, एंड दिस स्टेज इज मार्क बाय, कैसे मालूम चलेगा कि यह शुरुआत हो चुकी है? इट इज मार्क्ड बाय क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होने लगे, आधे लोग तो इसी बात से मूर्छित हो जाएंगे, ये क्या लिखा सर? इमेजिनेशन इतने मुश्किल है इस चैप्टर के कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं अपने जैसा तुमको समझता हूं तो कई बार गड़बड़ हो जाता है कि तुम्हें आता है फिर भी मैं बार बार पढ़ा रहा हूं। ये क्या है? घर है। और ये क्या है?
और ये न्यूक्लियस इंटरफेस का है, किसका? तो बताओ यहाँ पर क्या क्रोमोसोम मिलेंगे? धागे, इन धागों का नाम बताओ क्या? क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन धागे तितर बितर ऐसे ही पड़े, और अगर ये कंडेंस होने लगे, क्या होने लगे? कंडेंस। स्टॉल कहाँ गया वो दो जिसने जिससे मैंने पिछली बार क्रोमोसोम बनाया था? ला ला ला, कोई भी दे, जुकाम उकाम तो नहीं है? सैनिटाइजर लाओ। कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा हूं, अपना ही बच्चा है, कल को मान लो उसको कोरोना हुआ तो हमें भी होना ही चाहिए, परिवार का कैसे मजा आएगा, लड़के को बाप को ना हो। ये एक धागा है, क्या है भाई मेरे? ओ भैया इधर देखो, माना इधर नजर टिक नहीं पाएगी बदसूरती की वजह से, और देखो इधर ही, उधर का देख रहे हो, फिर लो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बैग बैग टांगे बैठे हो खंबे के पास, हाँ तेज बोलो, मजाक मत करो, आप इधर देखिए, तकलीफ कितनी भी हो इधर देखिए, ऐसे 46 धागे, कितने? 23 दूनी 23 पेयर क्रोमोसोम है, कहाँ? ह्यूमन में। ऐसे 46 धागे पड़े, इन 46 धागों में बिटिया पकड़ पाओगे? बाकी बाद में हाथ वाथ धुलना, कोई भरोसा नहीं इनका। कंडेंसेशन चालू हुआ, क्या चालू हुआ? कंडेंसेशन, जो मैं ये कर रहा हूं इट इज कंडेंसेशन, यानी धागे अभी तक जो डीकंडेंस पड़े थे उनमें कंडेंसेशन चालू हुआ। कंडेंसेशन की शुरुआत इन धागों में क्या बताती है? क्या शुरू हो गया है? प्रोफेस। और इन्हीं धागों में कंडेंसेशन के दौरान एक बनेगा कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या बनेगा? इसका नाम होगा सेंट्रोमियर, फिर से बोलो। और इन्हीं सेंट्रोमियर में ये बेटा कंडेंसेशन जारी रहेगा और बनेगा क्रोमोसोम, क्या बनेगा? क्रोमोसोम। तो वो क्रोमैटिन एक दिन क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। पर नॉर्मली की कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो ज्यादातर टीचर लिख देते हैं कि बच्चों को कंडेंसेशन तो मालूम ही होगा, पहली अवस्था में बच्चे घबरा जाते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। तो 46 धागे पड़े हुए थे तुम्हारे न्यूक्लियस में, जीवन में, एस में और जी टू, और उनमें क्या चालू हुआ? कंडेंसेशन। और इन कंडेंसेशन की शुरुआत, इस कंडेंसेशन होने की शुरुआत क्या बताती है? क्या चालू हो गया? प्रोफेज। तो याद रखना, जैसे ही कंडेंसेशन शुरू हुआ, आप प्लीज इसे समझ लेना, बार बार नहीं बता पाऊंगा, जैसे ही कंडेंसेशन शुरू हुआ प्रोफेज शुरू हो गया, और क्या और दिखने लगा? सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 खत्म होने लगी। देखना अंतर, मैं चारों ये सब प्रोफेज ही है, एवरीवन इज प्रोफेज। यहां पर ये जी टू फेज की कोशिका थी, जीवन एस जी टू से किधर जा रहे? प्रोफेज। प्रोफेज फेज में जाते ही क्या होने लगा? क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होने लगा, कुछ क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर पैदा होने लगा। हो गया कि होने लगा? तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, इससे प्रोफेज मार्क हो जाती है कि भाई चालू हो गया। क्या चालू हो गया? प्रोफेज। और क्या गायब होने लगा? तो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस अपियरेंस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी पूरी डिसअपियर नहीं हुई है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी। और भाइयों बहनों, इस न्यूक्लियस के पास पाए जाते थे सेंट्रोसोम, याद करो क्या थे? भूल गए, सेंट्रोसोम मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? भूल गए, पिछले पढ़ाया सेंट्रोसोम, बताओ परपेंडिकुलर थे तो? दो सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल बेटा ग्रुप में रहते थे, इन सेंट्रियोल के ग्रुप का नाम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कहां हुआ था? एस फेज, भूल गए पक्का? और ये सेंट्रोसोम अपने अपने पोल की तरफ जाने लगे, ये पोल की तरफ जाने लगे, एक सेंट्रोसोम इधर पोल पे और एक सेंट्रोसोम इधर पोल पे।
और इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल बनाना चालू किया. क्या बनाना चालू किया? माइक्रो. और माइक्रोट्यूब्यूल बनने पर यहां सन रेज जैसे स्ट्रक्चर निकलने चालू हुए. किसके? और दीज सन रेज लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज एस्टर. बोलो क्या नाम? और ये भी क्या है? एस्टर. और यही एस्टर आगे स्पिंडल बनाएगा. क्या बनाएगा? और ये स्पिंडल क्रोमोसोम में जुड़ेंगे. अभी जुड़े कि नहीं जुड़े? क्यों नहीं जुड़े? क्रोमोसोम अभी पूरी तरीके से बंद नहीं. सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा? कौन सी अवस्था पढ़ रहा? सपने में भी आनी चाहिए प्रोफेज की. तुमको चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्रोफेज वाली फेज किसके बाद आती है? इंटरफेस के बाद. और इंटरफेस में कितनी फेज? तीन. पहला कौन? जीवन. एस जी टू के बाद प्रोफेस में गए. yes, कैसे पता चलेगा प्रोफेस चालू हो गई? क्रोमेटिन कंडेंसेशन होने लगा. यस और नो? और क्रोमेटिन कंडेंसेशन के साथ साथ क्या अपियर होने लगे? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का अपियरेंस बुलवा तो मैं तुमसे लूंगा ही. क्रोमोसोम का अपियरेंस होने लगा. लेकिन अपियर पूरी तरीके से हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए. अपियरेंस धीरे धीरे दिखने लगा कि यार धागे अभी क्रोमोसोम जैसा बन रहे. और उसी दौरान क्या गायब होने लगी? न्यूक्लियर में. और सेंट्रोसोम कहां पहुंच गए? पोल. और पोल से क्या निकाले? माइक्रोट्यूब्यूल. क्या निकाले? आप गढ़ो किसी नसीम के बगल में. यस बेटा, क्या अरेंजमेंट था सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल का? 9+1, 9+0, 9+2, 9+0. सेंटर वाली प्रोटीन का नाम क्या था? और जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल थे वो कितने थे? डबलेट थे, सिंगलेट थे? आप समझिए, बैठो शाबाश. आप समझिए टीचर को पढ़ाना कितना मुश्किल है. तो टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि तुमको जो पीछे पढ़ाया गया तुम यहां पर रिवाइज करके दो. और आज मैं पूछ रहा हूं सेंट्रियोल पढ़े थे? तो बोले हाँ पढ़े थे. और क्या पढ़ा था सर? पता नहीं. हमने पढ़ाया था कि ट्रिपलेट थे माइक्रोट्यूब्यूल के. कितने? ट्रिपलेट. एसी बॉन्ड थे, याद है? बीच में हब थी. और हब से रेडियल स्पोक थे. कार्ट व्हील अपीयरेंस सेंट्रियोल का था. और वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने थे. किसके? उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से फाइबर बाहर आने लगे सन रेज की तरह. रेज का मतलब एस्टर. बोलो क्या नाम? एस्टर. सनफ्लावर की फैमिली का नाम एस्टरेसी. बोलो एस्टरेसी. इसीलिए नहीं सन रेज को एस्टर बोलते हैं? तो सन रेज जैसा यहां से माइक्रोट्यूब्यूल निकलने लगे इन्हीं को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर. बोलो. लेकिन बने नहीं है क्योंकि इन्हें जुड़ना कहां है? क्रोमोसोम में. कामर और क्रोमोसोम में जुड़ा पर बेटा एस्टर बनने लगे. क्या बनने लगे? एस्टर. क्यों एस्टर बनने लगे? क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल निकलने लगे. जुड़े नहीं है लेकिन निकलने लगे. इनका नाम एस्टर. और इस एस्टर के साथ हमको दोनों तरफ माइटोसिस के स्पिंडल दिखने लगे. और इन्हीं को बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस. बोलो क्या नाम? तो बताओ क्या पैदा होने लगा? माइटोटिक अपरेटस. छोटी मोटे काम नहीं है. ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. याद रखना न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस था क्या डिसएपियर हो गया? न्यूक्लियोलस डिसएपियर होने लगा. अब पूछेंगे ये कब पढ़ाया था? पढ़ाया था न्यूक्लियोलस डिसएपियर हो गया. याद रखना यहां से डिसएपियर होने लगे ईआर. व्हाट इज ईआर? गॉल्गी बॉडी. क्या बड़ा? ये भी डिसएपियर होने लगे. यानी ज्यादातर सेल ऑर्गेनल डिसएपियर होने लगे. ये है प्रोफेज. सर बता तो ना पाएंगे क्या क्या हो रहा. पिक्चर नहीं तो बता नहीं पाओगे. बाकी लोग रट्टा मारते हैं. बाकी एनसीईआरटी देख के लोग रट्टा मारते हैं. और इसीलिए मैं पढ़ाते वक्त एक कोने से एक डायग्राम कभी नहीं हटाता. रुक जाओ प्लीज के काकी. एक डायग्राम में कभी नहीं हटाता ये वाला. बोलो ये कौन है? ये और ये. और अब प्रोफेस को देखोगे तुमको बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा. ये कौन सी फेज है?
मैं इस फेज की बात कर रहा हूं, प्रोफेज किसको प्रोसीड किए, और मेटा फेज में क्रोमोसोम को पूरा अपीयर हो जाना है, लेकिन शुरुआत अब देखना कितने लोग हैं जो प्रोफेज की कहानी लिख पाएंगे, लिखोगे? Yes, मैं पूछूंगा कि प्रोफेज शुरू हो गई पता कैसे चलेगा? अगर विजन है तो तुमको सही बात बताओ कैसे गलत? यस, इट इज मार्क बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन नाम के फाइबर का कंडेंसेशन चालू हो गया। डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया, अब दिमाग में बनाओ, बताओ जी टू फेज में बेटा क्रोमोसोम था कि नहीं था? नहीं था। धागे थे? धागे क्या होने लगे? कंडेंस। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर प्रोफेज इसी से मार्क होता है। इट इज मार्क्ड बाय, कैसे पता चलेगा प्रोफेज चालू हो गया? और अगर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर हो गया तो अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। ये अगला पॉइंट है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अपीयर होने लगे, हो गए कि होने लगे? तो जिनको नहीं आ रहा वो रट्टा मारेंगे। पहला पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मॉलिक्यूल फाइबर, और दूसरा अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, और बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आभार है लाइन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के साथ साथ क्या क्या और डिसअपियर होने लगा? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, गॉल्गी बॉडी और ईआर किसके साथ डिसअपियर था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बची तो उससे जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर बच पाएगा? नहीं। बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कौन था? ईआर बचा के डिसअपियर। ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर होने लगे। अभी सर कुछ बाकी है, क्या बाकी है? सर सेंट्रियोल और द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम याद है? सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल, दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए, और अपोजिट पोल पर मूव करने के बाद इन्होंने क्या बनाए? एस्टर। व्हाट इज एस्टर? माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर। बोलो क्या? माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर इनसे निकलने लगे, और इसे क्या बोला गया? एस्टर। तो बताओ कितने एस्टर बने? एक दो पोल तो दो एस्टर बनेंगे, सो टू एस्टर विथ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर के साथ ये जो दो एस्टर हैं, इनको मिलाकर क्या बोला गया? माइटोटिक स्पिंडल। बोलो क्या बोला गया? सॉरी माइटोटिक अपरेटस। प्लीज अंडरलाइन इन एनसीईआरटी। अच्छा बच्चा वो जो एनसीईआरटी में इसे ढूंढकर अंडरलाइन कर ले। माइटोटिक अपरेटस बनने लगा। अब पिक्चर देखो इधर, जो मैं गलती करूं पकड़ के बताओ, जैसे ढूंढते नहीं हो इन पिक्चर में दस अंतर ढूंढो, तो अब तुम्हें इस पिक्चर में दस अंतर ढूंढने। न्यूक्लियस पूरा बना दिया, गलत। क्या न्यूक्लियर को मेम्ब्रेन हटाते दिखाऊं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन की क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अपीयर होने लगे, कंडेंसेशन होने लगा। बताओ यहां क्या पहुंचा? यहां क्या पहुंचा? पक्का? अब इन सेंट्रियोल से क्या बनाए? पता नहीं। एस्टर बनाए, सनरेज बनाए कि ना बनाए? सनरेज लाइक स्ट्रक्चर बनाए एस्टर। और बताइए इस तरीके का अगर कहीं दिख जाए तो आपके हिसाब से वो क्या है? अब इस पिक्चर को दिमाग में बसा लो। सर हमको तो नहीं बस रहे, ये दिमाग से ना जाएगा तो अच्छा रहेगा। किस फेज के बाद आती है प्रोफेज? प्रोफेज में क्रोमोसोम अपीयर हो गए हैं, होने लगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगे। इस फेज को किस फेज किस बात से माना जाएगा चालू हुए? क्या इतने पॉइंट बोल पाओगे? अगर बोल पाओगे तो हीरो बच्चे हो। प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है बता पाओगे? हटा दें आप, अब बताओ प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है?
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर हो गया, क्रोमोसोम अपीयर होने लगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगी, ईआर गॉल्गी बॉडी न्यूक्लियोलस होने लगा, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में गए, कहां गए, गए और वो वहां पर बैठ गए, एस्टर निकालने लगे, कितने एस्टर, दोनों पोल के एस्टर मिलाकर स्पिंडल बना, इसका नाम माइटोटिक एपरेटस, फिर से बोलो पक्का, इट वॉज द फर्स्ट फेज, बोलो कौन सी, ऑल्सो नोन एज प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, याद रखना मेटाफेज इज मार्क्ड बाय, हर फेज को मार्क किया जाता है, मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुकी है। तो अगर कभी कोई टीचर ऐसे बना दे कि ये मेटाफेज चल रही, बताओ सही है कि गलत, क्योंकि मेटाफेज शुरू ही तब मानी जाएगी जब क्या डिसअपीयर हो जाएगी न्यूक्लियर, एंड इस पॉइंट को एनसीईआरटी में ढूंढो और अंडरलाइन करो, सुनील सर नहीं, मेटाफेज कैसे मार्क होती है, कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अगर इसे ढूंढ लिया तो तुम हीरो बच्चे, क्यों, क्यों हीरो, तुम देखो तुम्हें अब एक नई बात पता चलेगी कि जो भी न्यूक्लियस का सब्सटेंस था वो कहां पड़ा गया, अब कोई न्यूक्लियस की बात नहीं करेगा, अब क्या करेगा, साइटोप्लाज्म, और तुम्हें मालूम था कि कंडेंसेशन चल रहा था किसका, तो याद रखना क्रोमोसोम दे आर स्प्रेड इनटू साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होने लगे, कोई पूछे वाय पूरे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बची की डिसअपीयर, तो जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल था वो बचा की फैल गया, सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन कंप्लीटेड इन दिस फेज, इस फेज में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया एंड द क्रोमोसोम अपीयर्स इन बेस्ट मॉर्फोलॉजी, सबसे बढ़िया मॉर्फोलॉजी में क्रोमोसोम यहीं पर अपीयर हुए, और बोलते हैं कि अगर आप क्रोमोसोम की साइज देखना चाहते हैं, मॉर्फोलॉजी देखना चाहते हैं, उनकी थिकनेस देखना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट स्टेज, बेस्ट स्टेज है, इट इज मेटाफेज, क्रोमोसोम अपीयर इन बेस्ट मॉर्फोलॉजी, तो अगर आपको सबसे क्रोमोसोम का अपीयरेंस लेना है तो किस फेज में लोगे, मेटाफेज, मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू अपीयर, अपीयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सबसे अच्छा किस फेज में अपीयर होगा, कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन था वो रहा कि चलता रहा, कंप्लीट होगा काम, अब फर्दर कंडेंसेशन नहीं होगा, आगे सुनो, आपको याद होंगे एस्टर बने थे, भूल गए आप, याद है, यस, एस्टर जो थे एस्टर जो भी बने थे वो सेंट्रियोल से बने थे, और उन एस्टर से बेटा फाइबर निकलना चालू हुए थे, बट दीज फाइबर दे अटैच टू द, याद रखना कहां से अटैच हो गए, क्रोमोसोम के साथ ये एस्टर फाइबर अटैच होने लगे,
सर नहीं आया। बताओ पहले जो ये फाइबर थे इनका नाम क्या था? एस का। बताओ ये क्रोमोसोम में अटैच थे कि नहीं थे? आप क्या हुए? अटैच हो गए। और अटैच होने पर बने स्पिंडल फाइबर्स। बोलो क्या बने? और दीज अपरेटस आर नोन एज स्पिंडल अपरेटस। इट इज नोन एज स्पिंडल अपरेटस। अंतर क्या है? स्पिंडल फाइबर बने कहां थे और क्रोमोसोम से अटैच कहां हुए? मेटाफेज। और जब ये मेटाफेज में अटैच हुए तो हर एक क्रोमोसोम से अटैच होने का इनका तरीका है। एवरीवन हियर। बीचों बीच इनके पास थी सेंट्रोमियर और इन सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई थी दो क्रोमेटिड। दीज आर नोन एज क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है। पर भाइयों आपको मानना पड़ेगा कि ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरी क्रोमेटिड है। इन क्रोमेटिड के चारों तरफ एक प्रोटीन आई। दिस प्रोटीन इज नोन एज काइनेटोकोर। इट इज नोन एज काइनेटोकोर। और इन्हीं काइनेटोकोर में अटैच हुए स्पिंडल फाइबर। कौन अटैच हुआ? स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट हुआ इन द काइनेटोकोर। तो जो मैं यहां पर अटैच करवा रहा हूं तो बताओ जो स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं डायरेक्ट अटैच हो रहा है सेंट्रोमियर से कि काइनेटोकोर? काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है। ये मेटाफेज की शुरुआत है। इट इज अ अर्ली मेटाफेज। हाँ नींद आने लगी? मैंने पहले कहा था नींद आएंगी, इसीलिए तुमको कहा था कि सीखो। प्रोफेज में क्रोमोसोम अपीयर हुए, कंडेंसेशन चलता रहा कहां पर? प्रोफेज। ये कंडेंसेशन कहां खत्म हुआ? प्रोफेज की मेटाफेज। क्या अपीयर हो गए? क्रोमोसोम। बेस्ट मॉर्फोलॉजी में अपीयर हो गए। बेस्ट मॉर्फोलॉजी में अपीयर होने के बाद ये सारे के सारे साइज में मॉर्फोलॉजी में देखने में सबसे अच्छे। अगर तुम्हें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेक करनी है तो किस फेज में जाओ? प्रोफेज की मेटाफेज। मेटाफेज साइज देखना है। मेटाफेज अब बताओ क्रोमोसोम खाली अपीयर हुआ कि उसके साथ कुछ और भी हुआ? क्या हुआ? क्या माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस बन चुके थे और किससे अटैच नहीं हुए थे? क्रोमोसोम। तो क्या अरेंज होने लगे? अटैच होते वक्त वो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से अटैच होगी काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच होने लगे। कास ये सीख पाओ। कास जब वो अटैच होने लगे तो इस अटैचमेंट के दौरान उनकी स्प्रेडिंग खत्म की गई। अभी तक ये स्प्रेड थे कहां? साइटोप्लाज्म में स्प्रेड थे और उनकी स्प्रेडिंग खत्म करके उन्हें सेंटर में लाया गया, खींच के उन्हें सेंटर पे लाया गया और सारे क्रोमोसोम सेंटर पे आ गए। और जो सेंटर पे क्रोमोसोम आए हैं वो सेंटर में आए हुए क्रोमोसोम स्पिंडल अपरेटस के साथ बचे हुए हैं। तो दिस इज स्पिंडल अपरेटस विद द सेंट्रोसोम। एंड इस तरीके से क्रोमोसोम एक सेंटर पोजीशन पे आए और इस सेंटर पोजीशन पे आने पर क्रोमोसोम के इस अलाइनमेंट को रखा गया मेटाफेजिक प्लेट। इसे बोला गया मेटाफेजिक प्लेट।
और बोला क्या क्रोमोसोम पूरी कोशिका में स्प्रेड होने की बजाय एक प्लेट में आकर के अरेंज हो गए, एंड दिस प्लेट इज नथिंग बट मेटाफेजिक प्लेट, और ये स्प्रेडिंग खत्म किसने की, इनका धन्यवाद करो, बोलो कौन, स्पिंडल अपरेटस, कि इधर उधर फैले हो सब लोग साथ में, किसने पकड़ के किया, स्पिंडल अपरेटस। तो काश कि तुम शुरुआत से देख पाते, धागे दिखे, धागे धागे धीरे कंडेंसेशन होने लगे, दिखा क्या बनने लगा, क्रोमोसोम, क्या बनने लगा, क्रोमोसोम, बनते बनते अचानक न्यूक्लियस गायब, जो न्यूक्लियस का मटेरियल था वो न्यूक्लियस में आके साइटोप्लाज्म में फैल गया, फैल गया, तभी वो धागे जो कहां से थे, एस्टर से, कहां से, एस्टर से निकले और उन सारे फैलते हुए क्रोमोसोम में अटैच हो गए, कहां अटैच हुए, काइनेटो, और उनको पकड़ के लाए, कहां पर लाए, सेंटर में, और इस प्लेट का नाम मेटाफेजिक प्लेट। कौन सी प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट पे लाए, और मेटाफेजिक प्लेट में लाने का काम कौन कर रहा है, स्पिंडल। तो स्पिंडल एस्टर फॉर्मेशन शुरू कहां हुआ था, हाँ, पर क्रोमोसोम से कहां जुड़ा, और क्रोमोसोम से जुड़ना, इट इज नोन एज स्पिंडल अपरेटस, उस वाले का नाम था माइटोटिक अपरेटस, इसका नाम, तो स्पिंडल अपरेटस बन करके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए, कौन सी फेज, मेटाफेज। अब दोनों फेज को अलग अलग पूछूंगा, बताइए कैसे पता चलेगा प्रोफेज चालू, किसका कंडेंसेशन, हाँ, और कैसे पता चलेगा मेटाफेज चालू हो गया, कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर। बेटा थोड़ा थोड़ा कहना सीख लो और उससे पिक्चर बनाना सीख लो, वरना ये सेल डिवीजन, सेल साइकिल आपके दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन के साथ कभी भी रहेगा, हमेशा रहेगा और कभी हटेगा नहीं, क्योंकि ऐसे इवेंट है एक के बाद दूसरा इवेंट कब चालू हो जाता किसी को पता नहीं। तो तुम्हें एक बाउंड्री खुद बनानी पड़ेगी, कब तक प्रोफेज है, कब तक मेटाफेज है, फिर कब तक एनाफेज है, तो तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। और ये कौन सिखाएगा, सुनील सर की एनसीईआरटी, हाँ, सुनील सर की बात माननी भी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। एनसीईआरटी कहती है कि प्रोफेज इज मार्क बाय कंडेंसेशन, और ये क्रोमेटिन क्या है, डीएनए, कहां पर है, जीवन एस जी टू, वहां पर क्रोमोसोम नहीं है, थ्रेड है, कितने थ्रेड, 46, 46 के 46 थ्रेड कंडेंस होने लगे, तो यहाँ 46 क्रोमोसोम बने होंगे, यस। आप कितने झूठे हो सर, 3 बनाए, मेरे पास जगह नहीं है बेटा, अगर मुझे बनाने हो तो मैं कितने क्रोमोसोम बनाऊं, 46। ह्यूमन के पास कितने, 46, 46 के 46 क्रोमोसोम एक प्लेट में आ गए, और हर क्रोमोसोम में काइनेटोकोर, एक की दो, दो सेंट्रोमियर, एक काइनेटोकोर, दो, और उन काइनेटोकोर्स के साथ जुड़े हुए 46 धागे, कितने धागे, 46 धागे इधर, 46 धागे इधर, एक क्रोमोसोम में कितने धागे, दो, एक ऊपर वाले पोल से और एक नीचे वाले, नहीं आया, तो कितने क्रोमोसोम, 46। अब यहां पेयर मत बोलना, माइटोसिस में क्रोमोसोम पेयर में कभी नहीं जोड़े जाते, दे ऑलवेज लिंक सिंगली, यानी कि हमेशा सिंगल क्रोमोसोम के स्पिंडल बनते हैं। तो यहां 23 पेयर बोले कि 46 क्रोमोसोम एक प्लेट पे आ गए। मान लीजिए ऑनियन होता और 16 क्रोमोसोम थे, तो 16 के 16 क्रोमोसोम प्लेट में आ जाते, यस और नो, नहीं सर, हर बार 46 आएंगे, चाहे अनियन हो चाहे ह्यूमन हो, ऐसा होगा, और हर क्रोमोसोम में बनने लगे स्पिंडल, और ये स्पिंडल पहले क्या कहलाते थे, एस्टर, हाँ, आज एस्टर कहलाएंगे कि जुड़ गए हैं, जुड़ गए, और इसीलिए क्या बोलेंगे, स्पिंडल, और जो फैला हुआ मटेरियल था, कौन फैल गया था, क्रोमोसोम, कहां फैल गए, क्या उन्हें लाया गया, किस प्लेट में, मेटाफेज, टाइम काफी हो गया, आगे सुनो, आगे बढ़े, चलो अब क्या मैं एनाफेज के पॉइंट लिखूंगा बता पाओगे, सॉरी मेटाफेज के पॉइंट लिखूंगा बता पाओगे,
चलो भाई प्रोफेज के पॉइंट तो लिख दिए थे, अब मेटाफेज के पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट कंप्लीट डिसअपीयरेंस। कंप्लीट डिसअपीयरेंस किसका? ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आज जब तक बेटा टेलोफेज खत्म ना हो जाए आप लोग ये नहीं बोलेंगे डेढ़ बजे। आज मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि बीच में छोड़ दो, वरना फिर का फिर से यहीं से पढ़ाना पड़ेगा। दूसरा बोलो, एस्टर बना कि स्पिंडल? स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ। बताओ क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू। हाँ क्रोमोसोम पहले स्प्रेड थे, स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म। अब बताओ इसको बड़ा करो, स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान यस क्रोमोसोम में क्या फाइबर? स्पिंडल फाइबर कैसे? यानी एवरी क्रोमोसोम है हाउ मैनी काइनेटोकोर? क्रोमोसोम टू काइनेटोकोर, और इन दो काइनेटोकोर पर एक तरफ से फाइबर की दोनों तरफ से दोनों, ये है मेटाफेज। मेटाफेज का क्रोमोसोम थिकेस्ट कैसा? शॉर्टेस्ट कैसा? शॉर्टेस्ट। वाई शॉर्टेस्ट? मैक्सिमम कंडेंसेशन। मिनिमम की मैक्सिमम, और अगर मैक्सिमम कंडेंसेशन है तो बेटा लॉन्गेस्ट की शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट थिकेस्ट और मॉर्फोलॉजी में बेस्ट। अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है किस तरह से देखनी है, अपने मेटाफेज में दो पॉइंट क्या लिखे पढ़ो, एनसीईआरटी कम एनसीईआरटी लाओ, ताकि ये ना हो कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। मेटाफेज के दो पॉइंट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। बताओ इस प्लेट का नाम क्या होगा? मेटाफेज। तो पहले जो स्प्रेड थे वो स्प्रेड रहेंगे भी प्लेट में आएंगे, एंड काम गया स्प्रेड जीता। दे आर इन मेटाफेज प्लेट। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा हूं कि प्लेट में कैसे आया, कौन लेके आया? पहले न्यूक्लियस का मटेरियल फैल गया था, कहां गया था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में गया था, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उसमें कौन अटैच हुआ? स्पिंडल। कहां पर? काइनेटोकोर। और उन्हें कहां लेकर आए? बीच में इक्वेटर में लाए, न्यूक्लियस के इक्वेटर में कि सेल के? और जब इक्वेटर में आ गए तो इस प्लेट का नाम क्या रखा गया? मेटाफेज प्लेट। फिर से बोलो, नाउ मेटाफेज प्लेट के बाद आता है एनाफेज, एंड द एनाफेज इज नोन एज अप स्टेज। और अप स्टेज क्यों बोलते हैं उसका कारण सुनो। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? प्रोफेज थी। सेकेंड स्टेज मेटाफेज। सेकेंड स्टेज के बाद आई एनाफेज, दैट इज नोन एज अप स्टेज। ध्यान से देखिएगा, और अगर आप मुझे बताते जाएंगे तो इसका मतलब आप मेरे साथ हैं, नहीं तो आप केवल सुन रहे हैं सीख नहीं रहे। बताइए मैं न्यूक्लियस बनाऊं कब अपीयर डिसअपीयर हो गया? अभी क्रोमोसोम कहां पर हैं? सेंटर प्लेट में हैं, दो ही हैं कि 46? क्या यहां पर फाइबर बन चुका है? बताओ यहाँ काइनेटोकोर है। बताइए ये किसका न्यूक्लियस है? मेटाफेज, सॉरी मेटाफेज की सेल है, न्यूक्लियस तो गायब ही हो चुका है। अब आई एनाफेज। एनाफेज इज मार्क्ड बाय, सुनना बट एनाफेज इज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। नहीं समझ में आया? अब सोचो मैं एक क्रोमोसोम हूं, मेरे पास एक हाथ और एक पैर को एक क्रोमैटिड मानो, एक क्रोमैटिड, दूसरे हाथ और दूसरे पैर को दूसरा क्रोमैटिड मानो, और मुझे यहां से बांधो, यहां पर कौन सी है? काइनेटो को। फिर से बोलो, और मुझे यहां से बांधो, इधर से भी क्या है? काइनेटो,
और दोनों तरफ से खींचना चालू करो। अगर इक्वल फोर्स लगा, क्या लगा? सो आई विल बाइफरकेट बाय द सेंट्रोमियर, किससे टूटेगा? सेंट्रो, और सेंट्रोमियर से टूटा तो एक क्रोमोसोम कितने भाग में डिवाइड होगा? दो, और दोनों के दोनों पार्ट जाने लगेंगे पोल की तरफ। किसी तरफ? पोल की तरफ जाना, ऊपर जाना है। ऊपर जाना मतलब आप स्टेज। सर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसलिए इसको समझाने का बेस्ट वे है कि आप एक इमेजिनरी लाइन खींचो जिसका नाम है मेटाफेजिक प्लेट। कौन सी प्लेट? और इस मेटाफेजिक प्लेट पे जो मैं कर रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा। अभी मेटाफेजिक प्लेट के बीचों बीच सेंट्रोमियर था। सेंट्रोमियर में एक क्रोमेटिड इधर थी और एक क्रोमेटिड इधर थी। मैं एक क्रोमोसोम से समझा पाऊंगा? 10 से नहीं, वरना मुश्किल हो जाएगा। मान लो इसी क्रोमोसोम को दिखा रहा हूं और इधर से इसमें एक फोर्स लगा थ्रू काइनेटोकोर, और इधर से भी इसमें एक फोर्स लगा थ्रू काइनेटोकोर। जैसे ही काइनेटोकोर में फोर्स लगा, इसने इसने क्रोमेटिड को खींचना चालू किया, और क्रोमेटिड कहां से जुड़ी थी? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर। और जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, ये दो भागों में विभक्त हुआ लाइक दिस। अभी भी दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सेंट्रोमियर एक से कितने हो गए? दो। हाँ, दो। ये वाला पोर्शन जैसे ही हमने खींचा, ऐसे खींचा, ये क्रोमेटिड आपस में जुड़ी रही और क्या बाहर निकल गया? सेंट्रोमियर। क्या बाहर निकला? थोड़ा और खींचा गया इसे कि और खींचा गया, जैसे और खींचा गया, सेंट्रोमियर और ऊपर जाने लगा। दोनों क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर और ऊपर जाने लगा, और सेंट्रोमियर जब और ऊपर जाने लगा, ये खिंचाव बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अब सुनो, ये एक क्रोमोसोम था, यहां ध्यान से सुनना, यहां आधे लोग लुढ़क जाएंगे। ये एक क्रोमोसोम था जो ओरिजिनल अमाउंट में था कि डबल में? इसी को पढ़ा पढ़ा के मर गया मैं। ओरिजिनल में कि डबल में? नंबर में एक था, अमाउंट में डबल। हाँ, और जैसे अमाउंट में डबल था, इसकी अमाउंट इक्वल की गई। क्या की गई? और इक्वल करने का तरीका क्या? अजीब पागलपन है। अमाउंट को इक्वल करने के लिए इसे नंबर दो कर दिया गया, न दो भागों में बांटा गया। यानी कि अब एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया। यस और नो? और इसका मतलब ये लोग जो हैं अलग अलग क्रोमेटिड हैं, ये फ्यूचर क्रोमोसोम है। क्या है? इसका मतलब अब एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनने लगे। एक क्रोमोसोम से इसका मतलब एन से बना 2N, और दूसरे एन से बना 2N। यस और नो? तो इसका मतलब आप कितने बनने लगे? 4N। दिमाग खराब, मैं तो जानता हूं ना दिमाग खराब, इसलिए काउंट करो कितनी क्रोमोसोम थे। 46। बोलो 46। फिर से बोलो 46। और 46 होना एन होना कि 2N? 2N। फिर से बोलो 2N। और 46 क्रोमोसोम दो भाग में बटे, तो 46 दूनी 92 क्रोमोसोम क्रोमेटिड टूट के अलग होने लगे। 92 क्रोमेटिड, व्हाट इट मींस? 2N, 2N, एक बार की दो बार? फिलहाल तुम यही रहो, तुम्हारी गणित अभी इतनी अच्छी नहीं है। मैं जानता हूं अभी इतनी अच्छी गणित नहीं, मैं वापस लेके चलूंगा वहां से। बताओ, एक क्रोमोसोम में स्प्लिटिंग हुई? Yes, sir। स्प्लिटिंग में क्रोमोसोम ऊपर जाने लगे? Yes, sir। और कुछ देर बाद ये मेटाफेजिक प्लेट को ऊपर जा करके निकल भी गए, पोल की तरफ चले गए। और जैसे ही ये पोल की तरफ जाने लगे मेटाफेजिक प्लेट को छोड़कर, हमने कहा एनाफेज कंप्लीट। कौन सी फेज कंप्लीट? कौन सी चालू? टी लो। कब छूटा? कौन छूटा? ये प्लेट का नाम बताओ, मेटाफेजिक प्लेट। और ये एक क्रोमोसोम की छूटी की 46 के 46, और हर एक क्रोमोसोम कितने भाग में टूटा? दो। तो बताओ, एक क्रोमोसोम से फ्यूचर के कितने क्रोमोसोम बनने लगे? दो। तो अगर दो क्रोमोसोम होते तो 46 होते तो 12, यानी 46 ऊपर 46 नीचे। कसम से सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मम्मी कसम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा।
इसीलिए जीवन से लेकर यहां तक तुम्हें लाना ही लाना है, और मैं इसको सिखा लूंगा, चिंता मत करो। एना फेस तक केवल मुझे बताओ क्या हुआ। एना फेस तक में, एना में इस स्टेज का नाम क्या है? आप स्टेज। फिर से बोलो, आप पक्का? यस सर। चलो मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अगर तुम यहां तक पहुंचा गए तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल समझ लो एक ना एक दिन चॉकलेट जरूर खिलाऊंगा। यहां तक अगर पहुंचा गए, आज बहुत मेहनत की है तुमने। बताओ आप स्टेज है? क्रोमोसोम मेटाफेज में आए? मेटाफेज में आने के बाद स्पिंडल कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ? एना फेज की शुरुआत है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इट इज अ स्टार्ट ऑफ एना फेज। और जैसे ही एक क्रोमोसोम दो भागों में टूटा, बताओ एक क्रोमोसोम से कितने बनने लगे? दो। फ्यूचर के दो क्रोमोसोम, यानी फ्यूचर का जो दो क्रोमोसोम होगा वो नंबर में तो इसके रेस्पेक्ट में डबल हो गया होगा, और अमाउंट में हाफ नहीं आया। और जो अमाउंट में हाफ हुआ होगा वो जीवन के रेस्पेक्ट में इक्वल, क्योंकि जीवन से क्रोमोसोम आते आते इक्वल हुआ था कि डबल। भैया ओ बॉर्न एनसीईआरटी में ना समझ में आएगा, इधर देखते रहो। हो सकता है इसकी दो क्लासेस मुझे अपनी खर्च करनी पड़े, मैं तैयार हूं। और अब तुम्हारा 200% कंसंट्रेशन चाहिए। कितना? नहीं आएगा कल फिर से ये चालू करेंगे। और जो अब तुम नहीं बताए तो तुम्हारी गलती, मेरी नहीं। बोलो कौन? बोलो कौन? बोलो कौन? और जो मैं पूछूं उतना बताना। मैंने यहां पर 2n क्रोमोसोम को बनाने के लिए एक पेयर बनाया था। वैसे एक पेयर है कि 23? जैसा एक पेयर वैसे 23 पेयर। मैं एक पेयर से कहानी चालू कर रहा हूं। किससे? चलो एक पेयर से चालू कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सर समझ में ना आए। चलो एक पेयर क्रोमोसोम में, हर पेयर में कितने क्रोमेटिड? इसमें कितना? ए। इसमें कितना? ए। हर क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड? ए। अभी पिक्चर में आना चाहिए। अब ये क्रोमोसोम पेयर में थे, लेकिन ये पेयर में रह गए ही, लेकिन मैं बनाने का तरीका अलग बना दे रहा हूं। इसी क्रोमोसोम को मैंने यहां बनाया और इस क्रोमोसोम को यहां बनाया, बस दिखाने का तरीका अलग कर दिया है। यस और नो? अब बताइए एस फेज में ये क्या हुए? डबल। हाँ बताओ ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये बताओ क्या था? 2n। जीवन खत्म? बोलो ये क्या है? n। ये क्या है? बताओ ये क्या है? cc। बोलो। और ये 2c, दोनों को जोड़ दिया। बोलो बताओ कंडीशन क्या है? 2n4c कहां तक रहेगा? हाँ जीतू में। अब कौन आया? प्रोफेस। यही पेयर पेयर में रहा कि फैल गया? स्प्रेड हो गया। तो बताओ पेयर में रहा कि स्प्रेड? स्प्रेड। मेटाफेज की, प्रोफेस की खास बात थी, प्रोफेस के बाद क्या आएगा? मेटाफेज। मेटाफेज में न्यूक्लियस बचेगा कि स्प्रेड? और जब स्प्रेड हुआ तो क्रोमोसोम पेयर में रहा कि फैल गया? और अपीयर हुआ तो इक्वल अमाउंट की डबल? डबल। और मेटाफेज में ही इसे प्लेट में लाया गया। किस में लाया गया? और प्लेट में जब ये आया तो पेयर में आया कि बेटा एक एक? तो जो पेयर में था भैया वो अकेला बचा, लेकिन अमाउंट में अभी भी कैसा है? डबल। और इसमें कौन जुड़ा है? अभी देखो ये कौन है? एन। और ये क्या है? एन। और ये क्या है? टू सी। ये क्या है? तो 2n4c। पक्का? अब आया एना फेस, तोड़ा गया हर क्रोमोसोम, टूटा तो एक क्रोमोसोम कितने में टूटा? दो। तो ये कितने भागों में? दो। और ये वाला भी दो में टूटा। तो जब दो में टूटा तो हर क्रोमोसोम जो टूटा वो अपने क्रोमोसोम से, अपने क्रोमोसोम से अमाउंट में, केवल अपने क्रोमोसोम, एक एक को मिलाओ, एक एक को मिलाओ, अमाउंट में, अमाउंट में, अमाउंट में, लेकिन ऐसे कितने बने? दो। तो बताओ ये एन रहा? ये एन रहा? तो बताओ एक क्रोमोसोम ने कितने क्रोमोसोम पैदा किए? दो।
तो दो ने चार, चार। इसका मतलब हर पेयर ने एक पेयर पैदा किया, तो 2n ने कितने, 4n, जो आगे चल के 2n अलग, 2n अलग, नहीं आया एनाफेज। इसीलिए सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि एनाफेज में आते आते आपके पास जो क्रोमोसोम है वो NN इधर चले गए अभी, और NN दूसरे पोल में चले गए, तो बताइए अमाउंट ओवरऑल अभी भी, देखो पोल को देखने की कोशिश करो, ये मेटाफेजिक प्लेट थी। अब उन्हीं दो क्रोमोसोम को दिखा रहा हूं मैं, जिन दो क्रोमोसोम के साथ रहा हूं, ये मेटाफेजिक प्लेट को छोड़ चुके हैं। अगर मेटाफेजिक प्लेट को छोड़ चुके हैं तो आज इनका एग्जिस्टेंस अलग क्रोमोसोम की तरह है, यस और नो? बताइए ये कितना है एन, ये कितना है एम, ये कितना है एन, ये कितना है, ये कितना है सी, ये सी, ये सी, ये तो बताओ टोटल कितना, 4C। और ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये सेल नहीं है, क्या है, इमेजिनरी। तो बताओ एस के रेस्पेक्ट में एनाफेज अमाउंट में से गए तो बेटा अमाउंट में, अमाउंट में से। कैसे, यहां पर क्या था 2N4C, यहां पर 2N4C, यहां पर भी 4C तो है, लेकिन N, क्या गया 4। अकेली एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर नंबर डबल हुआ, किसके रेस्पेक्ट, एस के रिस्पेक्ट में नंबर डबल हुआ, और जीवन के रिस्पेक्ट में भी नंबर डबल हुआ, क्योंकि अभी तक नंबर डबल नहीं हुआ। अब कुछ लोगों की अब बत्ती जली होगी, कुछ तो बता रहा है यार ये, बाकी लोग यस सर बोल रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। भाइयों बहनों तुम समझ ही नहीं पाए, एक क्रोमोसोम ने अपने आप को कितने पार्ट में तोड़ा, दो, अमाउंट हाफ करके उसने नंबर डबल किए। अजीब घटना है ये, दुर्घटना कह लो, कि अमाउंट हाफ करने के चक्कर में आपने नंबर डबल कर दिया। नहीं आया, आया तो बताओ एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर नंबर और अमाउंट भी, किसके रेस्पेक्ट में, नंबर वहां कितना था 2n 2c, नंबर डबल और अमाउंट भी, और जरा एस फेज के रेस्पेक्ट में नंबर डबल अमाउंट से मरोगे जिस दिन मैंने क्वेश्चन बनाया, मैं बता रहा हूं, और उसी दिन तो मुझे गालियां दोगे कि पढ़ाता लिखाता कुछ है नहीं, पूछ लेता है इधर उधर, और मैं मर के पढ़ा रहा हूं। फिर से लो आखिरी 5% लोग जो अब जागे, भाइयों बहनों जिन लोगों को बार बार आ रहा है प्लीज वो बोर ना हो, इन बेवकूफों के लिए एक बार और करिए, यस ये वाला फेज, ये वाला, ये वाला बताओ इसका नाम, इसका नाम, इसका, अभी तक हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, एना फेज, कहां नहीं पहुंचे, पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो, यहां तक पहुंचना है। और मेरे बच्चे मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से चलो पेयर ऐसे बना देते हैं अबकी बार, क्योंकि हमें ऐसे ही बनाना है। बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बोलो कंडीशन, 2N2C नंबर में, नंबर में 2N है, अमाउंट में एस फेज आया, बताओ अमाउंट डबल, अमाउंट इस क्रोमोसोम ने अपने आप को डबल किया, इसने भी डबल किया, गुस्सा है, बताइए एन है, ये भी एन है, कुछ लोग बोलेंगे एन कैसे डबल तो हो गया, अबे नंबर एक, ये भी नंबर, अभी सुनील सर आधे हैं और अभी सुनील सर दो हो गए, अभी भी नंबर एक, अभी भी नंबर एक, अमाउंट डबल, बताओ ये क्या हुआ 2N, लेकिन अमाउंट C, बोलो 2N4C, यही कंडीशन, कहां पर 2N4C, कहां G2, फिर क्या आई प्रोफेज, मम्मी का समय पूरा ध्यान लगाओ, मम्मी आज बहुत उड़ाएंगे तुमको, बोलो प्रोफेज में 2N4C आया, और बेटा न्यूक्लियस डिसअपीयर होने लगा, मान लो न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया तो ये क्रोमोसोम पेयर में रह के स्प्रेड हो गए,
और अगर स्प्रेड हो गया है तो बताओ जोड़ा रहा कि बिछड़ गया? जोड़ा बिछड़ गया। ये जोड़ा बिछड़ा कहां? प्रोफेज के अंत में, मेटाफेज की शुरुआत। और इस जोड़े को प्लेट में लाया गया, जोड़े के रूप में कि अलग अलग? अलग अलग, अलग अलग लाया गया। तो सर यहां पर जो लोग पेयर में थे वो पेयर में रहे कि स्प्रेड हो गए? और स्प्रेड हो करके अलग अलग आ गए। आज भी ये एन है, ये क्या है? एन। आज भी ये सी सी, तो ये क्या है? टू सी। और ये टू सी अगर जोड़े तो क्या है? टू एन फोर सी। तो मैं मेटाफेज तक आते आते टू एन फोर सी लिखता हूं। और अब अपनी जिंदगी का सबसे कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, कर दिया तो हीरो, नहीं तो जीरो। बताओ जीवन में टू एन टू सी, एस में जी टू, में प्रोफेज में, मेटाफेज में पक्का? और जैसे एनाफेज आई, हर क्रोमोजोम ये वाला बताओ टूट गया? और टूट करके मेटाफेजिक प्लेट से अलग होने लगा? और अगर होने लगा तो हर एक क्रोमोजोम ने फ्यूचर के कितने क्रोमोजोम पैदा किए? दो पैदा किए। तो बताओ जो दो क्रोमोजोम पैदा किए उस हर क्रोमोजोम में अमाउंट सी, अमाउंट सी, अमाउंट सी, अमाउंट, और इसका नंबर एन, इसका नंबर एन, इसका नंबर, इसका नंबर। और इसलिए आज एक कोशिका में चारों साथ रह रहे, तो कोशिका में न्यूक्लियस बना नहीं है। तो एक कोशिका में पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस अभी नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां डिसअपियर होगी? मेटाफेज। और अभी तक रीअपियर। तो एक कोशिका में कितने लोग? चार एन और फोर सी। लेकिन इसका भी खतरनाक क्वेश्चन कि चार एन फोर सी है किसके रेस्पेक्ट में? जीवन। जीवन के रेस्पेक्ट में अमाउंट भी डबल, नंबर भी डबल। क्या बोला? और देखो तुमसे कैसे गलत करवाऊंगा। तुमने कहा अमाउंट भी डबल और नंबर भी। एक क्रोमोजोम को देखा जाए तो एक क्रोमोजोम ऑफ जीवन और एक क्रोमोजोम ऑफ एनाफेज, अमाउंट इज सेम। पगला गया टीचर, अभी कह रहा था कि नंबर डबल, अमाउंट डबल, अब कह रहा अमाउंट सेम। एक क्रोमोजोम। और जब ये लैंग्वेज में मैं लिखता हूं ना, तो तुम लोग मुझसे लड़ने आते हो कि सर एक बात डिसाइड कर लो कि जीवन के रेस्पेक्ट में डबल हुआ है नंबर और अमाउंट डबल की सेम। तो मैं कहता हूं जीवन के रेस्पेक्ट में पूरी कोशिका में डबल नंबर, डबल अमाउंट। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम की सेहत, फिर से एक क्रोमोसोम की सेहत देखी जाए तो जितना क्रोमोसोम में अमाउंट यहां है उतना ही यहां, अमाउंट इज सेम। और जब मैं ये लिखता हूं तो तुम लोग गालियां देते दोगे? अब यकीन मानो, तुमने अगर चलते फिरते किसी टहलते फिरते इसी बड़े टाइप के बंदे से क्वेश्चन पूछ लिया और तुमने जवाब दिया रे नहीं यार एनाफेज में क्रोमोसोम में जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम का अमाउंट सेम होता है, बोले कौन टीचर पढ़ाया? बोले सुनील। बोले तुरंत चेंज कर लो, उसको अकल नहीं है। पर ये अकल है, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि अगर जीवन में क्रोमोसोम होता तो वो बिल्कुल इसी सेहत का होता, यस और नो? और यही कहा जाएगा टेलोफेज। नहीं आया ना? आप बताओगे जवाब? पूरी सेल के रेस्पेक्ट में बताओगे? पूरी सेल के रेस्पेक्ट में, जीवन के रेस्पेक्ट में चल रहा, जीवन के रेस्पेक्ट में एस नंबर से अमाउंट डबल, जीवन के रेस्पेक्ट में जी टू नंबर से अमाउंट डबल, जीवन के रेस्पेक्ट में पी नंबर से अमाउंट डबल, जीवन के रेस्पेक्ट में एम नंबर से अमाउंट डबल, जीवन के रेस्पेक्ट में एनाफे नंबर भी डबल, अमाउंट भी। क्योंकि एक क्रोमोसोम ने फ्यूचर के दो क्रोमोसोम, और ये मैं नहीं एनसीईआरटी कह रही है, और लिख लेना जहां कह रही है, अंडरलाइन कर लेना। वन क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू फ्यूचर क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू फ्यूचर क्रोमोसोम, और द फ्यूचर क्रोमोसोम मिलेगा आपको, समझ लेना। एंड दिस इज माई डियर, इट इज एनाफेज। अभी भी नींद आ रही है? आ रही है? समझ में आया? अच्छा, कितने लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आया? झूठों,
सौरभ बाबू आ रहा है, मैं कैसा भी क्वेश्चन बनाऊंगा बता दोगे? ठीक है, अब बताओ एस के रेस्पेक्ट में एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल अमाउंट सेम, एस के रेस्पेक्ट में अमाउंट सेम नंबर पूरी सेल में। अब उस क्वेश्चन को उल्टा कर दे रहा हूं, पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में नंबर डबल अमाउंट। अरे ये क्या पूछा, नहीं आया, आया नहीं आया। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? दो, और यहां एक क्रोमोसोम में एक, तो एक क्रोमोसोम का अमाउंट हाफ हो गया पर्टिकुलर क्रोमोसोम का, लेकिन ओवरऑल सेल में नंबर डबल अमाउंट सेम, और एक क्रोमोसोम नंबर सेम कर सकते हो अमाउंट। ये किसी को नहीं आया, उल्टी आ गई सर, ये नहीं, फिर से आया। ये इतने खतरनाक टॉपिक हैं बेटा, मैं बता रहा हूं, मैंने शुरुआत करने के पहले बता दिया था इतने खतरनाक टॉपिक हैं कि कई बार हम टीचर आपस में लड़ जाते हैं। वो कहता तूने गलत पढ़ाया, वो कहेगा तूने गलत पढ़ाया, बोलेगा तुझे कुछ नहीं आता, बोले तुझे कुछ नहीं आता, बेवकूफ है, बच्चों को बेवकूफ बना रहा, और हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। तो कौन सही है? एनसीईआरटी कहती है कि एक क्रोमोसोम स्प्लिट होकर के फ्यूचर के क्रोमोसोम बनाता है, कितने? दो। तो 46 ने कितने बनाए? 92। पक्का? और ये सब पेयर में है कि अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। हटा दें? अभी नहीं आया सर। अगर आ गया है तो अब आई टीलोफेज, सबसे सिंपल फेज है, बस पढ़ के जाओ, घर जाओ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस कल पढ़ाएंगे। टीलोफेज इट इज नोन एज एंड फेज और एंड स्टेज। सुनो बेटा ध्यान से, और बोलते हैं ये फेज एना फेज के बाद आती है, और इस फेज की खासियत है कि सब लोग अपने अपने पोल में पहुंच चुके हैं। द क्रोमोजोम दे रीच टू दियर पोल, वो जो स्प्लिट हुए क्रोमोसोम थे वो अपने पोल पे पहुंच चुके हैं, और इनका स्पिंडल टूटने लगा है। इट इज मार्क बाय डिसोल्यूशन ऑफ स्पिंडल। टीलोफेज इज मार्क बाय डिसोल्यूशन ऑफ स्पिंडल। एक तो स्पिंडल बेकार होने लगा, दूसरा डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम थे वो डीकंडेंस होने लगे। ला भैया मफलर दो। बताओ बिटिया पकड़ो, बताइए जब ये हो रहा था तो ये क्या था? कंडेंसेशन हो रहा था। ये कब हुआ था? और क्रोमोसोम बन चुके थे? अब क्रोमोसोम बनना खत्म हो गया, बताओ ये कंडेंसेशन की डीकंडेंस? अगर डीकंडेंसेशन होने लगा तो क्रोमोसोम बनेंगे कि क्रोमैटिन? क्रोमैटिन। तो अपीयरेंस ऑफ क्रोमैटिन अगेन, री अपीयरेंस, अगेन का मतलब होता है री अपीयरेंस ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फिर से बनने लगी, और जैसे ही क्रोमैटिन बनने लगी दोस्तों, ये कुछ सीन ऐसा आया, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों पोल पर के क्रोमैटिन, यहां पर डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होने लगा। ये जो क्रोमैटिन थे, ये क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम रह गए, क्रोमैटिन होने लगे, डीकंडेंसेशन होने लगा, स्पिंडल खत्म होने लगे, और इनके चारों तरफ क्या आने लगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वहां दिखेगी। रीअपीयरेंस ऑफ क्रोमैटिन, साथ में रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, एकदम प्रोफेज का उल्टा है, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होगा। और बताओ क्या रीअपीयर होगा? गॉल्गी बॉडी, बोलो क्या? गॉल्गी बॉडी। और क्या रीअपीयर होगा? अब बताओ एक कोशिका में कितने न्यूक्लियस? दो। क्या हो चुका है? कैरियोकाइनेसिस।
और एक सेल में दो न्यूक्लियस हो चुके हैं, और दोनों न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम? 46, 46. भूले नहीं हो तो 2N2C, 2N2C. सर अभी नहीं समझ में आया, फिर से बताएं. तो बताओ 2N2C में अब क्या डाल दी जाए? सेल वॉल. तो बताओ एक सेल से कितनी सेल? दो. सेल वॉल का डालना इट इज कैरियोकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस. तो आज साइटोकाइनेसिस चलेंगे बस? बस बताओ चारों फेज अलग अलग बता दोगे? यस सर. चारों फोर को मार कर दो फिर घर जाओ. मार कर दो. ए प्रोफेज का मार, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, पक्का डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोफेज शुरू है पूरी तरीके से डिसअपीयरेंस. हाँ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, रीअपियरेंस एंड डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर. और क्रोमोसोम याद कर पाओगे? ए जल्दबाजी नहीं ना सर प्लीज, ना ना करो प्लीज. ये कौन? जीवन एस जी बेटा. टीलोफेज रह गया है. एनाफेज की चीजें टीलोफेज में भी हैं, लेकिन यहां पर दो न्यूक्लियस आ चुके हैं. कितने? तो जो जो एनाफेज में है वो टीलोफेज में एक्सेप्ट, वहां पर कितने न्यूक्लियस आ चुके? दो. तो एक न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में जीवन करोगे तो जीवन और वन न्यूक्लियस ऑफ टीलोफेज इज सेम, अदरवाइज इट इज लाइक एनाफेज. किसी को मतलब ही नहीं, वो अपना बतिया रहा है. लो बेटा लो 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 ना. ए तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम मुझे देना है और तुम मुझे पढ़ा रहे हो. जो हम कह रहे हैं नहीं सर पढ़ा दो प्लीज पढ़ा दो, नहीं नहीं तुमको जाने दो. देखो बेटा जिसको जाना है गेट आधा खोले बिना डिस्टर्ब किए निकल जाए, बाकी मेरे बच्चे 5 मिनट और 5 मिनट में जिंदगी बन भी सकती है. जानवी इतना काय तकलीफ है? काय की क्लास है? कहां पर बजे सुबह? जाओ जाओ जाओ, कल फिर पढ़ना. टेक केयर. अरे यार जिस तरीके का तुम लोग व्यवहार करते हो ना, कल फिर सही.